तो आज एक सुअर बना म्यूटेंट हॉगलिंग और वो सबको मार रहा है जो जो खा रहे हैं भाई पोक चॉप। और जिन जिन लोगों ने सुअर को बंदी बना के रखा है उनको जाके जल्दी से आजाद कर दो, नहीं तो तुम लोगों की मौत पक्का है। तो चलो यार टीवी को मैं बंद कर देता हूँ। अरे भाई ये क्या कर दिया तूने? भाई मुझे ताजा पोक चॉप मिला भाई, वही खा रहा हूँ। अरे यार तूने न्यूज नहीं देखा क्या? भाई मैं अभी नीचे से ऊपर आया, मैं कैसे न्यूज देखूंगा, क्या था न्यूज में? अरे शिट यार जल्दी बाहर आ, बाहर आ। अरे भाई क्या हो गया, घबरा गया तू तो? अरे यार हमारे पास कोई पिग है क्या भाई? इसको मारना मत गलती से भी। अरे यार इनको छोड़ दे, पहले इनको हटाओ, इनको निकल के भाई आजाद करो इन लोग को। क्यों क्या हुआ भाई? भाई म्यूटेंट वाला एक हॉगलिंग भाग रहा है दुनिया में, अब वो हमारे ऊपर आ सकता है जिसने भी इन लोग को बंदी बना के रखा या इनका मीट खाया। और भाई तूने अभी अभी खाया भाई, उसको स्मेल आ जाएगी तो वो हमारे पास आ जाएगा। अरे भाई पहले बताता यार, मुझे फेंक देता सारी मीट में। अरे यार अब तूने गलती कर चुका है भाई, अब क्या होगा, वो आ गया इधर तो। भाई देख इनको बंदी बना के रखे थे इन विलेजर्स ने और गोलम ने, तो भाई गोलम और विलेजर को मारेगा ना फिर हमारे पास आएगा वो, तो सबको बचाना पड़ेगा अब हमें। तो भाई इसका मतलब तो ये है कि हमको यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने लिए और इन विलेजर्स के लिए। और क्या भाई, तो डिफेंस हैक बनाने से पहले भाई तुम लोग भी जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई ये वीडियो का लाइक एम क्या है? लाइक एम रखते सीधा 1,20,000। अरे बापरे बहुत ज्यादा हो गया भाई, अगर लाइक एम हमारा 10,000 भी पूरा हो गया ना तो भाई काफी है मेरे लिए। और भाई जल्दी जाके लाइक कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बंदूक चलाऊंगा मैं। तो डैश इधर आ भाई, ये उठा सबसे पहले, ये ले स्टोन ब्रिक्स पकड़। और फिर अभी ना हमको यहाँ पे भाई इसको लगाना होगा स्टोन ब्रिक्स, कम से कम इसका 6 ब्लॉक की हाइट रखते हैं और हमको इसका टनल बनाना है। अभी इधर में नहीं करना है भाई, उधर आगे साइड में लेके जाना है हमको, यहाँ से सीधा तू बीच में 5 ब्लॉक छोड़ दे। तो भाई इतना मेहनत करने से अच्छा ना, अभी मैंने अपनी ये वाली छड़ी निकाल ली है और भाई इसको यहाँ पे हमको एक बार सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे एक बार सिलेक्ट करना है और बस उसके बाद हमको डाल देना है यहाँ पे ये वाली कमांड और यहाँ पे दबाना है हमको एंटर। और भाई यहाँ पे पूरी दीवार आ चुकी है हमारी। तो भाई इसी तरीके से मैं ये साइड भी बना देता हूँ भाई, इसके स्ट्रेट लाइन में हमको रखना होगा पहले 1 ब्लॉक को और ये वाली हाइट तक रख देते हैं भाई। अरे भाई ये क्या किया तूने, मेरे से पहले ही कर दिया। नहीं भाई तेरे बाद में किया, तूने देखा नहीं क्या? ठीक है भाई लेकिन चला एक काम कर, जल्दी से कर, ऊपर से भी भर देते हैं भाई इसको। अरे इसके लिए भी टेक्निक है मेरे पास में। तो चलो यार हमारा पहले लेवल का भाई जो टनल है ना वो पूरा बन चुका है। तो भाई डैश इधर आ यार, अब मैं तुझे बताता हूँ इसमें हमको करना क्या होगा। भाई कितना बड़ा टनल है यार, वो कितना बड़ा होगा हॉगलिंग किंग जो भी है वो। हाँ भाई उसी के साइज के लिए बनाया है, तो एक काम कर इधर आ, हमको ऐसे ब्लॉक में ना भाई इधर में लगा देना होगा डिस्पेंसर। भाई ये पहला लेवल है ना तो भाई उसके लिए थोड़ा आसान होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हमने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है, तो आगे जाके उसको हम लोग असली माहौल चीजें दिखाएंगे। तो चल यार डैश ये वाली कनेक्शन तो हो चुका है, एक बार इसको मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ। और भाई ये सारे काम कर रहे हैं भाई सब काम कर रहे हैं। अब ये साइड तू बना दे और मैं इसके अंदर तब तक एरोस भर देता हूँ। ठीक है ये साइड वैसे बन चुका है लगभग, एरो भर दे तू। तो भाई बहुत जल्दी से हमारा ये काम हो चुका है और भाई शाम तो हो चुकी है, भाई रात जल्दी हो जाएगी लगता है आज, पता नहीं कैसे। तो भाई लगता है 8 मिनट की रात है आज। हाँ भाई अब मुझे नहीं पता, लेकिन एक काम करते जल्दी भाई, एक काम कर हनी ब्लॉक यहाँ पे लगा देते हैं, उसकी स्पीड भी हमको कम करनी पड़ेगी, तब तक हम लोग आगे में जाके आर्मर पहन लेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 10 ब्लॉक तक के लगा दे। तो डैश हमारा ये वाला काम भी हो गया, सबसे पहले तो भाई वो यहाँ से आएगा तो सबसे पहले हम लोग उसको इससे मार देंगे और उसके बाद उसकी स्पीड यहाँ पे हो जाएगी कम। और भाई जैसे उसकी स्पीड कम होगी ना तो हमारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा हमारा आर्मर पहनने का। तो अब भाई बारी आ चुकी है हमारा आर्मर वाला घर बनाने का। तो गोल्ड के ब्लॉक उठा ले भाई, तूने पहले उठा लिया क्या बात है। तो यहाँ पे हमको बनाना होगा एक रूम, तो भाई जल्दी से तू उधर से काम चालू कर दे और अभी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो चल यार डैश हमारा ये वाला एरिया तो बन चुका और अभी हमको हमारे आर्मर के लिए जगह बनानी होगी। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे तू डिस्पेंसर रख दे पहले वो वाले साइड अपने लिए। ठीक है भाई रख दिया यहाँ पर मैंने। और इसके सामने में लगा दे प्रेशर प्लेट और अपने लिए देखो भाई जो भी मन कर रहा है ना वो वाला आर्मर धार के रख। तो हम लोग भाई इस तरीके से यहाँ से भगते हुए आएंगे और एक साथ हम लोग उसको पहन लेंगे। क्या बात है भाई खतरनाक हो गया पूरा, और ये घर देख कितना खतरनाक दिख रहा है गोल्ड का। हाँ भाई यार ये रूम सबसे बेस्ट दिख रहा है। तो डैश इसके अंदर हम लोग आर्मर तो बाद में डाल देंगे, अब भाई तू बता आगे क्या करना चाहिए हमको। भाई मेरे पास एक हैक है खतरनाक वाला, एक काम करते हैं ना यहाँ पर हमें ऑब्सीडियन लगाना चाहिए और ऑब्सीडियन के ऊपर हम माइन रखेंगे ताकि हमारी जगह ना फूटे और हमें भागने का मौका मिले। अरे हाँ भाई तेरा आइडिया बहुत गजब है, तो भाई जल्दी से चलो भाई स्टार्ट करते हैं काम। मैं उठा लेता हूँ ऑब्सीडियन और देख मैं ऑब्सीडियन लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ ये देख भाई। अबे भाई ये तूने पहले जल्दी से लगा दिया, क्या बात है भाई टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ हमारा। तो भाई इसके आजू बाजू के वॉल्स लगा देता हूँ मैं, वॉल्स भी मैं लगा दूंगा तो माइन लगा। अच्छा ठीक है भाई मैं माइन लगा लेता हूँ, भाई तू बहुत तेजी से काम कर रहा है, फॉर्म में आ गया एकदम। तो भाई चल ये वाला काम भी हो गया है, तो भाई मैं जल्दी से यहाँ पे माइन लगा देता हूँ एकदम रैंडम तरीके से। भाई इतने काफी होंगे उसके लिए, वैसे भाई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ये, तू एक बार फुट के देख भाई कितना खतरनाक है ये। ठीक है देख क्या होता है देखते हैं। ओ भाई हवा में उड़ गया मैं। वो देख भाई बंजी जंपिंग कर रहा है तू। अरे भाई अरे बाप रे, बस कर भाई पूरा ही बर्बाद कर दिया तूने तो। अरे कोई बात नहीं, इसलिए तो ऑब्सीडियन लगाया था मैंने यार, क्या इंसान है तू। तो चल ये वाला काम तो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। डैश भाई इधर आ। क्या हुआ भाई? अब तू ये पकड़। अरे बाप रे स्टेयर्स है भाई, ये तो क्या करेंगे इसका? अब यहाँ से हम लोग ना अपनी आगे के हैक्स बनाएंगे ऊपर की तरफ, भाई उसको थोड़ा थकाना भी तो पड़ेगा ना भगा भगा के। तो हम लोग तो भाई यहाँ से जल्दी चढ़ जाएंगे, लेकिन भाई उसके पैर बहुत ज्यादा बड़े बड़े तो वो नहीं चल पाएगा। तू यहाँ पे लगा और मैं ऊपर से लगाता हूँ, जल्दी जल्दी से हाथ बटा और हम लोग काम करते हैं। ठीक है भाई मतलब लगा रहा, तू भी लगा।
भाई ये वाली सीढ़ी तो हमारी बन चुकी है, तो भाई मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। और अभी भाई तू रुक जा, तू काम मत कर, अभी हम लोग इसका शॉर्टकट अपनाएंगे। तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है और फिर जाके इसको सिलेक्ट करना है और फिर लिखना है कमांड और एंटर दबाना है, और ये हमारा प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो भाई ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा गजब हो गया है। और अब वो जैसे यहाँ से आएगा तो भाई इसको हम लोग यहाँ पे आगे कुछ नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ये साइड में, क्योंकि यार ये साइड में ना उसको मुड़ना पड़ेगा और वो भाई मोटा सा आदमी हो, वो मुड़ने उड़ने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। भाई सही है ना डैश? हाँ भाई बिल्कुल सही है, मैंने देखा तो नहीं उसको, तूने देखा था न्यूज चैनल पर, तुझे बताओगा। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, हमको भी यहाँ से अभी एक टनल ही बनाना है क्योंकि उसके अंदर हम लोग लगाने वाले एक बहुत ज्यादा खतरनाक सा लेजर। तो भाई एकदम वो एंड से मत चालू कर, एक काम कर इधर से कर, एक मिनट दो ब्लॉक छोड़ दे, थोड़ा बहुत ऐसा लगना भी चाहिए ना थोड़ा अच्छा। तो डैश भाई इसी पैटर्न में हमको इसको कंटिन्यू करना है, तो भाई तू वो कॉर्नर से चालू कर दे, मैं तब तक यहाँ से लगाता हूँ, और बीच में ना तीन ब्लॉक का गैप दे देना। अरे डैश ये आके देख भाई कितना ज्यादा गजब दिख रहा है अभी ये। ओ भाई यहाँ तो फंस जाएगा पक्का वो हैवान। हाँ लेकिन यार अब इसके आगे क्या करना होगा हमको? मैं सोच रहा हूँ एक रूम बनाते हैं जिसमें हम गोलम को स्पॉन कर देते, चार पांच गोलम काफी रहेंगे उसके लिए, अगर वो लोग भी नहीं मार पाए उसको तो उसको और आगे लेके जाएंगे बाद में, लेकिन पहले गोलम का रूम बना देते हैं। अरे हाँ यार भाई तूने बहुत ज्यादा गजब चीज बताई है अभी, बहुत गजब का आइडिया है तेरा। तो एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग वापस चेयर लगाते हैं और ऊपर उसको भगाते हैं थोड़ा बहुत, और फिर हम लोग उसको मरवाएंगे उससे, ये बढ़िया रहेगा, ऊपर लेके जाते हैं, अगर मालूम चला वो भाग नहीं पाया तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है तो भाई तू वापस चेयर उठा ले। तो भाई हमारा यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, तो भाई डैश भाई इसके बाजू में थोड़े दीवार खड़े कर दे। हाँ भाई कर ही रहा था मैं। भाई हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, तुझे भी आ रही है क्या? अरे हाँ, अरे भाई वो तो हेलीकॉप्टर है। ओ भाई क्या तगड़ा हेलीकॉप्टर है, और वो कौन है भाई कंकाल बैठा हेलीकॉप्टर में? स्केलेटन कैसे उड़ा के ला सकता है इसको? भाई पता नहीं कौन आदमी आया, ये भाई नीचे उतर। ओ भाई भाई आ जा भाई इधर, भाई कंकाल तो दिख रहा है पर यार कौन है भाई? इसको लगता है हेलीकॉप्टर चलाने नहीं आ रहा है, भाई मेयर हो सकता है, एक ही बंदा हो सकता है बस। ओ भाई आखिरकार इसने उतार ही लिया आधे घंटे बाद कम से कम, और भाई कहाँ जा रहा है वापस उड़ने की कोशिश में? भाई ये कौन सी लैंडिंग है? ओ भाई ये तो अपना मेयर है, वो लगता है कंकाल को मार के आ रहा है कहीं से। भाई किसको मारा इसने? अच्छा अच्छा ये मुझे याद आ रहा है, हमारा सपोर्ट किया था कंकाल को मारने के लिए, मुझे स्केलेटन मिल गया ना, तभी तो मशीन गन है उसके पास में। भाई ये पार्किंग इतने अजीब स्टाइल में क्यों किया है तूने भाई? और पिछले बार तू भाई हमको छोड़ के भाग गया था, कहाँ गया था भाई तू? क्यों भाई? तो भाई मेयर से मेरी बात हो चुकी है और ये यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आया है, और भाई इसके पास बंदूक भी है, तो ये हमको ये बंदूक देगा वैसे तो, लेकिन अभी नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों बोल रहा है कि आखिरी में जब रात होगी तब ये मुझे देगा। भाई इसके स्नाइपर में स्कोप भी है भाई, वो कहाँ जा रहा है? ये किसको मार रहा है? अरे भाई ओ, अरे भाई, ये क्या कर दिया? अबे भाई यही तो हम इससे तो बचना चाहते थे। अरे ये क्या करते भाई, बहुत बड़ी गलती कर दिया भाई तूने, भाई उसको नहीं मारना था हमको। अरे यार ये पागल है पूरा भाई, यार तूने उसको क्यों मार दिया? तो भाई इसने मुझे अभी अभी बताया कि इसका एक बहुत पुराना झगड़ा हुआ था सुअर लोगों के साथ, इसलिए उसने उसको मार दिया, और ये हमको ना भाई इधर उनसे बचाने के लिए आया है, तो ये हमको भाई बंदूक देने वाला है अपनी। ये क्या है भाई? ग्रेनेड है भाई, मैं उठा रहा हूँ, रुक जा। अरे भाई थोड़े बहुत मुझे भी दे। तुझे मैं देता हूँ, इतने दिया उसने तो ठीक है, तू इतने पकड़ और दे रहा भाई, बहुत पैसा इसके पास में। बाप रे एक मिनट, मैं भाई इसको यूज करके देख लेता हूँ एक बार, मैं भी खुद यूज करने का ट्राई करता हूँ, इसी ऊपर यूज करता हूँ। और भाई ग्रीन कलर का बॉम्ब है भाई, अच्छा फटेगा ये। वो गया फ्लिक देख। ओहो भाई क्या फटा, क्या था? अरे भाई मुझे किसने उड़ा दिया? तू भी उड़ गया है क्या? तो भाई हमको तो अभी इसने बहुत अच्छी सी चीज दे दी है जो कि हमारे ज्यादा काम आएगी, और अभी ये यहाँ पे रुकने नहीं वाला है भाई। मेयर तू ना रात को आ जाना जब हमारी फाइट चालू होगी, तो अभी तू भाई यहाँ से जा सकता है। ठीक है तो हेलीकॉप्टर बैठ चुका। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? तू आ जा, हमको काम जा नहीं रहा हूँ, मैं रुका हुआ था। बहुत तगड़ा हेलीकॉप्टर है भाई वो, भाई कार में दिख रहा है मुझे। हाँ भाई अमीर आदमी तो है, इसका हेलीकॉप्टर पिछले बार खराब हो गया था लेकिन इसने नया हेलीकॉप्टर ला लिया है। तो भाई चल जल्दी यार, हमारा काम हमको करते रहना चाहिए क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है। हाँ भाई ठीक है ठीक है। तो चल यार ये वाला रूम तो हमारा बन गया, और भाई अभी मैं यहाँ पे जल्दी से बना देता हूँ पूरे आयरन गोलम को, लेकिन अभी हम लोग इनको स्पॉन नहीं करेंगे। तू एक काम कर भाई, यहाँ पे ना कहीं पे भी एक जगह चेस्ट डाल दे और वहाँ पे इनकी मुंडी रखो, और जैसे ही वो राक्षस यहाँ से आएगा ना वैसे ही हम लोग को इनको एक्टिवेट कर देना है, मतलब स्पॉन कर देना है। तो चल ये तो काम हो गया हमारा, और भाई ये चार तो काफी रहेंगे ना? अरे भाई चार गोलम कितने ज्यादा पावरफुल होते पता है तुझे? हाँ वो तो बात है। तो भाई अब आता है हमारा लास्ट लेवल, और ये वाला जो लेवल है ना वो हमारा होगा एस्केप प्लान वाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं हेलीकॉप्टर के दो पैड, और हम लोग उस मेयर से मांग लेंगे उसके दो दो हेलीकॉप्टर, और भाई अगर वो राक्षस यहाँ तक आ गया ना तो हम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, हम लोग यहाँ से उड़ के भाग जाएंगे। हाँ भाई ये अच्छा प्लान है। तो भाई जल्दी से इधर एक प्लेटफॉर्म बना ले। ठीक है तो एक काम कर, येलो वाले कॉन्क्रीट का बनाते हैं, दिखने में खतरनाक दिख रहा है येलो ब्लॉक। ठीक है भाई काम चालू कर जल्दी। तो चल डैश हमने बहुत बड़ा एरिया बना लिया है, और तूने वहाँ पे कैच बना लिया, तो मैं भी यहाँ पे जल्दी से कैच बना लेता हूँ, और शायद अब हमारा काम हो चुका है। और भाई तेरे दिमाग में और कुछ है क्या? भाई और कुछ भी नहीं, और देख शाम हो चुकी है, दो मिनट में रात हो जाएगी, दो मिनट भी नहीं लगेगा। अरे भाई मेयर लेट कर रहा है भाई, वो आया नहीं अभी तक। भाई अभी तो गया था, उसको टाइम लगेगा थोड़ा, शिकार पर गया है वो। अरे तो भाई ये जगह हमने कितनी जबरदस्त बना दी है, और अब हम लोग बस वेट करते हैं भाई रात होने का। भाई तब तक मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें बनाई। भाई तू भी आजा डैश, किधर है? इधर ही हो, आजा भाई इधर। तो भाई हम लोग सबसे पहले यहाँ से घुसेंगे, तो भाई हमको सबसे पहले यहाँ पे रुक के ना इसको फ्लिक करना होगा, और यहाँ से निकलेगा बहुत सारे एरोज, और उसके बाद यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तब तक हमारे पास टाइम हो जाएगा यहाँ पे आर्मर पहनने का। अरे भाई हमने आर्मर भी नहीं डाला, जल्दी से आर्मर डाल दे। मैंने डाल दिया। ठीक है भाई तो मैं डाल
देता हूँ कुछ देर के बाद, और भाई चलते हैं हम यहाँ से आगे। और भाई ये वाला तो तबाही वाला एरिया, भाई तू मत जा भाई ऊपर से, चलो नहीं जाने वाला भाई। फिर उसके बाद शायद वो तो इतने भी निपट जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। फिर ऊपर आना है हमें, फिर हमको भाई यहाँ से ऊपर आना है, और भाई वो आएगा यहाँ से। ये देख के तो पहले भाई वो बड़ा सा आदमी भाई कोई भी होगा ये चीज देख के तो घबरा ही जाएगा, और क्या भाई। और हम लोग को ये चीज डैमेज नहीं करती है, तो जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। और आगे जाने के बाद भाई सबसे पहले एक अभी प्लान कर लेते हैं, ये साइड के दो मैं करूंगा भाई, तू वो साइड के दो को स्पॉन कर देना। ठीक है भाई। और भाई बस यहाँ तक अगर वो नहीं मरा तो हम लोग यहाँ से सीधा हेलीकॉप्टर में बैठ के भागेंगे। और भाई रात हो ही चुकी है भाई, 2 मिनट के अंदर रात होने वाली है, और भाई मेयर आया नहीं अभी तक। और क्या भाई, मेयर को बुलाना पड़ेगा यार, कॉल कर मेयर को जल्दी। ठीक है भाई, मैं उसको कॉल लगाता हूँ और देखते हूँ कब तक आता है। जियो के सिम से लगाना। अबे फ्लिक उधर आग लगी हुई है भाई। किधर किधर? अरे विलेज में, अपने विलेज में आग लग गई। अरे भाई ये क्या हो गया? अरे शायद वो आ गया यार। अरे हाँ शायद वो आ गया, दिख नहीं रहा, थोड़ा पास जाना पड़ेगा, चल जल्दी भाई, चल आगे चल भाई। एक भी घर नहीं बचा, अब क्या होगा? अबे हेलीकॉप्टर आ रहा है फ्लिक वहाँ से, हेलीकॉप्टर। अरे भाई आखिरकार आ गया भाई, चल ऊपर चल जल्दी इससे मिलने के लिए। ठीक है भाई, ये मेयर लैंड कर रहा है आखिरकार भाई, जल्दी नीचे आया यार, वो आ जाएगा हमारे को मारने के लिए। ओहो भाई लेके आया फिर से गन, वो भाई स्नाइपर लेके आया भाई। एक काम कर, दूसरा हेलीकॉप्टर तू यहाँ पे रख दे, क्योंकि यार हमको भागना है आखिरी में, अगर वो यहाँ तक नहीं मरा तो। अरे भाई इसके पास दूसरा हेलीकॉप्टर ही नहीं है, मतलब यार इसमें से सिर्फ 2 लोग भाग पाएंगे। तो यार वो बाद में देखा जाएगा, पहले विलेज को बचा लेते हैं ना, और खुद को भी बचा लेते हैं, तो उसे लड़ने चलते हैं भाई। चलो भाई लड़ने, चल भाई, भाई एक गन दे दे यार, उधारी में गन दे दे। ओहो भाई इसने मुझे स्नाइपर दे दिया, तुझे मिनी गन। ओहो चलो 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 ठीक है भाई, जल्दी चलो उसको मारने चलते हैं। अबे फ्लिक वो राक्षस को देख भाई, क्या है वो हैवान। अरे हाँ यार ये तो वही खड़ा है भाई, अब क्या होगा? तो एक काम कर, पहले गोल्डन एप्पल पकड़ बहुत सारे। अरे हाँ भाई बहुत सही, क्या बात है, चल भाई चलते आगे। चल भाई इसको मारने, इसको मारने पड़ेगा। ठीक है पहले हम उसको लेके आते हैं इधर भाई, वैसे तो विलेज खत्म कर चुका है वो भाई, ये हमको देखने वाला है। चल भाई इसको मैं लेके आता हूँ अपने तरफ भाई, इसको मारा मैंने। अरे आया तो भाई, भाई आ रहा, रुक गया तुम, आते रहो मैं लेवर फ्लिक करूंगा, आते रहो, उसको लेके आ फ्लिक अंदर। ओ ये देख अब क्या होता है इसके साथ भाई, उस साइड से कोई और करो कर रहा हूं। अरे तो अंदर आके भाग, मार रहा है भाग भाई फ्लिक। अबे यार इसकी तो स्पीड ही कम नहीं। ओह धीरे धीरे आ रहा है, आराम कर लेते हैं भाई। आर्मर पहन लिया मैंने। अरे भाई ये मेरे पीछे आ रहा है, मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जा, इसको मैं माइन के ऊपर से लाता हूँ। और भाई तुम लोग तो भाग भी गए, बंदूक चला उसके ऊपर। अरे भाई ओह क्या हो गया, पागल हो गया भाई। अरे भाई ये क्या हो गया इसके साथ, उड़ रहा है भाई, इसकी हालत खराब हो गई। क्या हो गया इसके साथ, बहुत बुरा हुआ, मैंने बोला था बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है भाई, ये चीज पार नहीं कर पाएगा। अरे भाई जल्दी इधर आ जाओ तुम लोग। और भाई अरे यार इसने ये लेवल क्रॉस कर दिया भाई, कैसे बच सकता है वो, भागो भाई यहाँ से, भागना पड़ेगा हमको आगे। ओ भाई ये क्या, अच्छा भाई ये कौन सा शॉट मारा इसने भाई, ये क्या था भाई इतना खतरनाक भाई, फिर से मार रहे हो भाई, भाई से। भागो भागो यहाँ से, भागना पड़ेगा हमको आगे की तरफ। एक काम करते थोड़े लेजर की तरफ लेके आते, और भाई मेयर सबसे पहले पहुंच जा रहा है, भाई लगता है हेलीकॉप्टर में बैठने की जल्दबाजी है उसको। भाई आ रहा है लेजर के अंदर से अब, और भाई देख किसको कितना। अरे अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इसको, ये क्या हो गया भाई, जल्दी स्पॉन कर इनको। अरे गया, अरे यार ये क्या हो गया, शिट भाई किधर है वो, कहाँ गया? तो भाई जल्दी से मैं यहाँ पे दो दो गोलम को स्पॉन कर देता हूँ। और भाई वो कहाँ है? अरे भाई ये तो अंदर आ गया है। मैं भी स्पॉन कर देता हूँ, वो भाई भाई बच रहा हूँ मैं, दोनों को मैंने स्पॉन कर दिया भाई, सब तोड़ दिया इसने। अरे भाई भागो भागो, और कुछ नहीं कर सकते, ये तो मार दिया उसने, एक गोलम को नीचे फेंक दिया है। स्नाइपर से मारता हूँ इसको, दिखा लड़ते हो भाई, ये क्या है खतरनाक भाई, सबको मार दिया इसने, भागो 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 भाई, भागो भागो भाई, इसके ऊपर मैं ग्रेनेड फेंकता हूं। अबे भाई आया भाई, भाई मेरे को चबा गया वो, हेलीकॉप्टर में बैठ जल्दी, आजा जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, भाई भाई भागो। अरे यार भाई मेयर बेचारा लड़ ही रहा है उससे, मेयर उसको तोप मारने वाला है भाई, मेयर बेचारा फंस चुका है भाई, मेयर ने तोप ला लिया है भाई, वो अकेला फंस गया। और भाई ओ भाई ये क्या है, क्या कर रहा है उसको, ओ भाई क्या है भाई, गड्ढा कर दे रहा है, नीचे लेके चल डैश जल्दी। ओ भाई ओ भाई ये क्या किया इसने, खतरनाक आदमी है, रुक जा मार रहा हूं मैं मशीन गन। ओहो मारा भाई, ये क्या था? अरे भाई मुझे भी दिखा एक बार, ये कितनी खतरनाक चीज थी भाई, इसने तो अकेली मार दिया इस राक्षस को। पहले इसका हेलीकॉप्टर टूट गया ना, तुझे किराया भरना पड़ेगा उसका। अरे भाई टेंशन मतलब मैं तेरे पैसे दे दूंगा। और भाई ये क्या खतरनाक सी चीज है, तो क्या बात है यार, यहाँ पे मैं आखिरी कुछ ब्लॉक्स लगा रहा हूँ, और भाई ये हमारा मॉल पूरा बन गया है, और अब हम लोग यहाँ पे दूध बेचने वाले हैं। अरे फ्लिक आ गया भाई मैं, भाई कहाँ से? अरे भाई तू बाइक पे बैठ के आया, क्या बात है भाई, मैं फिश लेके आया, जो हमें खाना था ना, तो मछलियाँ लेके आया हमें पूरी। ठीक है भाई थोड़ी सी मछली दे दे, पकड़ पूरी मछली, पफर फिश भी देख के खाना इनको। अरे भाई इनको देख के खाना पड़ेगा। और बता यार हमारा मॉल कैसा दिख रहा है, अब से हम लोग दूध बेचने का बिजनेस चालू करने वाले हैं कुछ दिनों में। क्या बात है, हमने जितने पैसे कमाए थे सारे मॉल में लगा दिए। ठीक है तो अभी भाई ये जब हमारी दुकान चलेगी ना, तो अब हम लोग और अमीर हो जाएंगे, तो आजा भाई ऊपर साइड, हम लोग टीवी देखते हैं थोड़ा बहुत। चल चल आजा आजा भाई, तू उधर से आजा। और भाई मैं बटन ऑन कर देता हूँ टीवी का। तो अभी अभी नॉर्थ की तरफ से एक खबर आई है कि हमारे माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक म्यूटेंट कैट घूम रही है, और जहाँ पे भी दूध रखा है बहुत सारा और या तो मछली है भाई, ये उन लोग को जाके सीधा मौत देने वाली है भयानक तरीके से। और जिन लोग के पास भी ये वाला आइटम है वो सब तुम लोग उठा के फेंक दो, नहीं तो भाई ये तुम्हारे घर तक पहुंचेगी और तुम लोग को एकदम मौत देगी। तो भाई मैं ये बटन बंद कर देता हूँ। और यार डैश ये क्या खबर सुनने में आ गई हमको,
और क्या भाई, कितनी खतरनाक खबर है, अब क्या करेंगे भाई? एक काम कर तू यार, जल्दी से यहाँ पे आग लगा, हम लोग ये सब कुछ जला देते हैं, शायद वो ना आए इसके बाद। और क्या भाई, सब फेंक दे, एक भी मछली नहीं बचनी चाहिए हमारे पास। ठीक है ठीक है। अरे लेकिन हम लोग तो दूध का बिजनेस खोलने वाले हैं ना, और बिल्ली को दूध पसंद है बहुत ज्यादा। अरे हाँ यार, वो म्यूटेंट वाली जो कैट है वो तो अभी भी आ सकती है यार हमको मारने के लिए, हमारा दूध लेने के लिए। तो भाई तू समझ रहा है, हमको यहाँ पे यार बनाना होगा एक डिफेंस सिस्टम हमारे पूरे मॉल के आसपास में, कि भाई वो लोग हमारे ऊपर अटैक ना कर ले। और क्या, और कुछ नहीं कर सकते। तो भाई एक काम कर, तू मेयर को अभी से कॉल लगा दे और भाई उससे मदद मांग ले, क्योंकि यार पिछले बार हमने उसका घर बचाया था, तो इस बार भी हमको मदद चाहिए भाई, उसी के पैसे का हमने इतना अच्छा मॉल बनाया है। तो भाई इसको बचाने के लिए हम लोग को यार थोड़ा बहुत तो उसकी मदद लेनी पड़ेगी ना, तो भाई जल्दी से नीचे आ जा, जल्दी से आ जा डैश बाहर। यहाँ पे हम लोग को पता है क्या, सबसे पहले यहाँ पे वॉल्स बनानी पड़ेगी। लेकिन एक मिनट यार, मैं तेरी गाड़ी को अंदर पार्क कर देता हूँ। अच्छा तू ही जा रहा है भाई, वो मेरे गाड़ी के बाजू में लगा दे उसको उधर साइड में। और क्या, तो ठीक है भाई तू उधर में। अरे भाई तू ऊपर कहाँ ले गया, ये क्या कर रहा है तू? मेरे गाड़ी को सेफ रखना है इसलिए। इतना भी सेफ क्या रखना था भाई, तू ऊपर ही रख के आ गया। तो भाई जल्दी से बाहर आ। तो भाई काम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं वॉल। और भाई ये ले लो ऑब्सीडियन, हम लोग इस बार ऑब्सीडियन की वॉल बनाएंगे, क्योंकि यार उसकी हाइट जो है ना वो बहुत ज्यादा लंबी है, जो म्यूटेंट वाली कैट है तू समझ रहा है ना, और वो भाई कहीं से भी चढ़ के आ सकती है। तो सबसे पहले ये वॉल लगाना हम लोग यहाँ पे चालू कर देते हैं चारों तरफ, हमारे मॉल को कवर कर देते हैं इससे, और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि हमको इसके ऊपर क्या लगाना है। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ लगाने वाला हूँ मैं, पहले से मैंने सोच के रखा था। तो यार अभी मैंने और डैश ने यहाँ पे ये पूरा कवर कर लिया है, तो एक काम करता हूँ मैं बीच में थोड़ी बहुत जगह बना देता हूँ यहाँ पे हमारे एंट्रेंस के लिए। और एक काम कर डैश, वापस से भाई हम लोग हमारा पिछले वाला ये पैटर्न रखेंगे, ऐसा चार ब्लॉक की हाइट रख इस बार, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा लंबा है, तीन के नहीं रखना इस बार, चार के रख, और बीच में चार ब्लॉक का गैप भी दे दे। पहले ये हम लोग काम कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि उसके बाद हमको क्या करना होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, अब हमारा मॉल कितना ज्यादा गजब दिख रहा है यार डैश। और क्या भाई, खतरनाक। तो भाई अब इसके बीच में मैं तुझे बताता हूँ हमको क्या लगाना है। अब यहाँ पे हमको लगाना होगा इलेक्ट्रिफाइड फेंस। भाई इसको तू पकड़ ले और इसको मैं यहाँ पे लगाना चालू करता हूँ। और एक मिनट, अब भाई वो जब आएगा ना तो उसको लगेगा कि भाई ये नॉर्मल फेंस है, लेकिन ऐसी बात है नहीं, इसके अंदर दौड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। और भाई तू एक बार इसको छू के देख क्या होता है तेरे साथ, फिर पता चलेगा। ठीक है ठीक है। अरे भाई डैमेज पहुंच रहा है, देखा भाई। भाई ये क्या, मर गया मैं तो दो बार में। देखा दो बार में तू मर गया। अब उस कैट को लगेगा ये जो फेंस है वो नॉर्मल है, तो भाई यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा और उसको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और वो वहीं पे मर जाएगी शायद, थोड़ा बहुत तो उसको डैमेज हो ही जाएगा। और इसको तो वो तोड़ नहीं सकती है हमारे क्राइंग ऑब्सीडियन को। तो भाई एक काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं और तू जल्दी से आ जा भाई वापस। तो डैश यहाँ पे आ गया है और भाई तू वहाँ का लगा और मैं यहाँ का लगा देता हूँ। तो चलो यार, ये वाला काम तो हमारा हो गया। और अब डैश तुझे पता है हमको क्या करना है? नहीं नहीं पता। तो भाई हम लोग को यहाँ पे अभी तीन ब्लॉक का गड्ढा खोदना है, नहीं भाई चार ब्लॉक का खोदना पड़ेगा, और ऐसी हमको यहाँ पे पूरा खोदना पड़ेगा यहाँ तक, क्योंकि भाई वो जो म्यूटेंट कैट है ना उसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं फेक लावा, मतलब जो कि पानी जैसा दिखता है, और इसके अंदर उसको बहुत अच्छा डैमेज होगा। तो इसको हम लोग चार ब्लॉक का करने वाले हैं इस बार, क्योंकि भाई उसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है ठीक, आधा करना। तू भाई गड्ढा करते, ज्यादा नहीं करते हम लोग, देखो आने तो वाली भाई सामने से ही है, तो हम लोग आधा करके छोड़ देते। तो डैश अभी हमारा ये वाला काम तो हो गया। अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ, हम लोग को यहाँ पे बनाना होगा दो टावर, जिसके अंदर हम लोग डालेंगे स्नो गोलम, और वो लोग जो है ना उन लोग को रोकने के लिए हमारी बहुत मदद करेंगे। भाई वो उसको मार तो नहीं पाएगा इतनी बड़ी म्यूटेंट कैट को, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम कर देगा, इसलिए भाई तू वो साइड बना ले और मैं ये साइड बना लेता हूँ। क्या बात है। और भाई ऑब्सीडियन का बनाना उसको भी। और क्या। तो भाई वहाँ पे डैश ने बना लिया है और यहाँ पे मैंने बना लिया, अब बस इसके अंदर मुझे यहाँ पे स्पॉन करना है बिना रुक के गोलम्स। और भाई तू भी ले ले ये। ठीक है ठीक है, ये ले ये सब उठा, तू अपने वाले में स्पॉन करते रहे। और हम यहाँ पे हमको कम से कम 23 तो कर ही देना है, क्योंकि यार ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे से मारेंगे। भाई यहाँ पे देखो मैंने कितने सारे स्पॉन कर दिया है। और डैश भाई इसके अंदर हमको यही वाली टेक्निक वापस से लगाना होगा, जो कि ये सोल सैंड वाली, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग आग लगा देंगे अभी। तो भाई यहाँ पे मैं जल्दी से आग लगा देता हूँ हर जगह। और एक मिनट भाई, अब एक बार जॉम्बी को यहाँ पे एक बार हम लोग स्पॉन कर देते हैं और देखना अभी इसकी क्या हालत होने वाली है। भाई कुछ हालत ही नहीं हुई भाई, टावर तूने ऊपर बना दिया, मेरे साइड आ, मेरे साइड दिखा एक बार। अच्छा रुक जा, तेरे इसमें दिखा देते हैं। तो भाई सबसे पहले वहाँ पे आग लगा दे। आग लगा दूंगा तो ट्राई तो कर एक बार। अच्छा ठीक है, पहले यही ट्राई कर लेते हैं। और भाई अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो अब हम लोगों ने इसको एकदम अच्छा बना दिया है, और अब देखना अब इसको कितनी बुरी मौत मारेंगे। ये देखना भाई ये वाला काम करने लगा है, और इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। और भाई देखो ये भी मर रहा है, भाई बहुत ज्यादा सही हो गया है। अब आगे के हैक्स में ना हमको, अरे भाई पानी में खुद डैमेज होगा भाई, कितना दम है इसमें, मर ही नहीं रहा है तो गया। तो भाई इनमें पावर तो ज्यादा है नहीं, लेकिन ये लोग उसको इतना मारेंगे कि हमारे पास ज्यादा टाइम आ जाएगा। तो भाई डैश एक काम करते हैं, अब हम लोग मॉल के अंदर चलते हैं, एक अंडरग्राउंड बना देते हैं हमारा आर्मर के लिए। ठीक है आ जाओ, इधर बनाएंगे। इधर भाई किधर? यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर से जाएंगे, ये काउंटर था हमारा, लेकिन यार ये बिजनेस खोलने से पहले हमको यहाँ पे इसको बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गड्ढा कर लेते हैं, और ये एरिया बहुत तगड़ा बनाने वाले हैं हम लोग। तो ये एरिया तो हमने बना लिया है। और डैश जल्दी से डिस्पेंसर्स लगा दे यहाँ पे। ठीक है रख दिया मैंने डिस्पेंसर्स पूरे, और ये भी रख देता हूँ भाई। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये पूरे आर्मर, और तू अपने लिए भी इधर साइड में बना ले भाई डैश। ये मेरे लिए था। अरे तो ठीक है मेरे लिए बना दे फिर, बना रहा हूँ। और भाई इस बार हम लोग सीधा नेदरराइट की शॉट डालने वाले हैं, तो भाई इस बार हमारी मदद बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो भाई ये तो मैंने ये पूरा एरिया अच्छा बना लिया है, और इसके अंदर हमने डाल दिया गोल्डन एप्पल। तो भाई जल्दी से अब ऊपर चलते हैं। और डैश भाई किधर है तू? इधर ही हो, सोच रहा हूं क्या बना रहा है। तो भाई अब सोच मत, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। और भाई शाम हो चुकी है यार, तो हमको जल्दी से दो तीन डिफेंस और बनाने पड़ेंगे। तो सामने आ जा भाई, अब इधर हम लोग लगाने वाले लेजर्स, तो जल्दी से वो लेजर्स लगा देते हैं। ठीक है जल्दी लगा देते हैं, वैसे भी दो ही मिनट
रात। तो डैश इस बार ना हम लोग भाई थोड़ा अलग तरीके से लगाने वाले हैं लेजर के ब्लॉक। तो देख, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लगाना होगा बेडरॉक के ऐसे कम से कम 5 हाइट के ब्लॉक, और फिर उसके बाद हम लोग को एक बार ये साइड में लगाना है और फिर दूसरी बार ये वाले साइड में लगाना है। तो ये इस तरीके से लगाना होगा हमको, और भाई बीच में ना 5 ब्लॉक का हम लोग गैप छोड़ देंगे। तो फिर इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे उठा देंगे और यहाँ पे फिर से बेडरॉक डाल देंगे। तो भाई ये बहुत ज्यादा अच्छा भी दिखेगा और खतरनाक भी होगा उसके लिए। तो भाई तू भी काम चालू कर दे और मैं भी काम चालू कर देता हूँ। और इसको हम लोग ज्यादा नहीं लगाने वाले, इसको भी हम सिर्फ हाफ लगाएंगे, क्योंकि वो जो कैट है ना म्यूटेंट वाली जो बहुत ज्यादा बड़ी है वो आएगी सामने की तरफ से ही। तो ठीक है भाई तू काम चालू कर दे और मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है ठीक। तो भाई पूरा मेहनत से हम लोगों ने यहाँ पे काम कर दिया है, और ये देखो यार कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। डैश इधर आ भाई, बहुत ज्यादा सही दिख रहा है ना। बाप रे, इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है, फर्स्ट टाइम देखा मैंने इतना खतरनाक। तो भाई हम लोग काम पहली बार ही ऐसा करते हैं, और वहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है वहाँ से भागने के लिए, कि क्या पता भाई हम लोग हार जाए तो जिंदा तो बचना ही पड़ेगा ना भाई। अब ये मॉल के लिए मर थोड़े ना जाएंगे हम लोग। और क्या भाई, भागना पड़ेगा, और सिर्फ 4 मिनट बचे, क्या करना है जल्दी बता। और भाई मेयर का क्या हुआ, वो तो आया ही नहीं अभी तक। और क्या भाई, सिर्फ 4.5 मिनट बचे, मेयर को जल्दी बुला। अरे भाई 4.5 मिनट बाकी है, ठीक है तू एक काम कर, तू उसको कॉल कर, तब तक यार मैं एक दो चीजें और कर देता हूँ यहाँ पे, और तू जल्दी बुला उसको। हाँ भाई जल्दी बुलाता हूँ, कॉल कर रहा हूँ जियो के सिम से। तो डैश एक काम करते हैं, माइन लगाने से पहले ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा और सेफ्टी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पूरे बेडरॉक्स, और भाई यहाँ पे मैं लगाऊंगा ना अभी एक बहुत ज्यादा खतरनाक सा डोर जिसके अंदर लगेगा पासवर्ड, वो तो तुझे पता ही होगा उसके बारे में। और क्या, पासवर्ड 1111। हाँ भाई 1111 ही रखते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों रखते हैं लेकिन रखेंगे वही। देख दो दरवाजे लगा दिया है, तू चाहे तो अपना अलग पासवर्ड डाल सकता है, लेकिन मैं तो अपना पासवर्ड डालूंगा यहाँ पे 111। इस बार 5 बार डालेंगे, ठीक है भाई सेव। ये क्या कर रहा है भाई तू? ठीक है भाई, मैंने भी पासवर्ड डाल दिया। और तो फिर जल्दी से मैं यहाँ का एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले तो ये सिलेक्ट करता हूँ और फिर इधर मैं जाके ये वाला एरिया सिलेक्ट कर देता हूँ। और फिर यार मुझे यहाँ पे एक कमांड डालना है जो कि है ये वाला, और यहाँ पे दबाना है मुझे एंटर। और ये जगह मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि यार यहाँ का जो जगह है ना भाई वो ज्यादा बेकार नहीं होना चाहिए भाई। वो माइन फूटने के बाद ना ये पूरा गड्ढा कर देते हैं यहाँ पे, तो इस बार वो नहीं होगा। तो इस बार हम लोग माइन भी थोड़ा अलग टाइप का यूज करने वाले हैं। एक तो हम लोग हमारा ये नॉर्मल वाला माइन यूज करेंगे जिसको मैं यहाँ पे ऐसा बीच बीच में लगा देता हूँ एकदम रैंडम तरीके से, और दूसरा वाला हमारा जो माइन है वो है ये वाला। अब यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा अलग है दिखने में, और इसमें से भाई तुमको सच बताऊं तो 4 शॉट्स निकलते हैं। इसलिए एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं दूर दूर में सिर्फ 3 लगा देता हूँ, और भाई इसका जो ब्लास्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि ये आर्मी का है, ये ग्रीन कलर का है ना इसलिए। तो भाई मेरा इतना काम तो हो गया है। और डैश भाई तू किधर है? मैं तो यहीं पर हूँ। हाँ तो भाई अब मैं तुझे बताता हूँ हमको क्या करना है। तू एक काम कर भाई, यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रीज लगा दे। और ये क्या किया तूने भाई, कितना गजब दिख रहा है ये। और क्या, खतरनाक, बहुत ज्यादा गजब दिख रहा है ये। और ये देख के भाई वो डर जाएगा बहुत ज्यादा, मतलब वो डर जाएगी यार, वो तो कैट है ना। ठीक है एक काम कर, तो यहाँ पे ना सेंट्रीज लगा दे, और यहाँ पे हम लोग ये जो एरिया है ना इसको खुला छोड़ने वाले हैं क्योंकि यहीं पे हम लोग फाइट करेंगे। और भाई मेयर का क्या हुआ? एक बहुत बुरी खबर है, मेयर नहीं आने वाला है। अच्छा नहीं आने वाला है ना, मुझे लगा मर गया कहीं। तो जाने तो भाई, अब उसको यार तूने जब 4-5 बार कॉल कर ही लिया और वो अभी तक आया नहीं, तो इसका मतलब यार इस बार उसने हमको धोखा दे दिया है और अगली बार से हम भी उसका काम नहीं करेंगे। तो एक काम करते, तू भाई सेंट्री लगा और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जल्दी से पूरे वेब। ठीक है लगाता हूँ। अरे तो डैश एकदम से इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और एक मिनट, वहाँ पे ब्लास्ट का हुआ है, ये क्या हो गया, पीछे कौन फूटा? शायद वो आने वाला है भाई, वो आने वाला है। तो मैं जल्दी से एक्टिवेट कर लेता हूँ हमारे सेंट्रीज को। तो जल्दी से इसका मैं रिमोट ले लेता हूँ और एक एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो सिलेक्ट कर ले भाई, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं भाई, वो आने वाली होगी अभी। अरे भाई इतने जल्दी टाइम निकल रहा है, इसको मैं जल्दी से एग्रेसिव मोड पे सेट कर लेता हूँ। ये वाले साइड को मुझे सेट करना पड़ेगा हॉस्टाइल मॉब्स पे। और भाई ये तो हो गया हमारा काम, देखो ये सब बाहर आ चुकी है, अब भाई उसको बहुत ज्यादा खतरनाक मौत मिलेगी। तो डैश इधर आजा भाई, अब हम लोग सामने में खड़े होकर वेट करते हैं उसका। यार बस रात हो ही गई है, बस 3 मिनट बचे यार, 3 मिनट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई चलो हम लोग वेट करते हैं फिर। अरे फ्लिक वो देख यार, म्यूटेंट कैट वहां पर है इधर। अरे भाई म्यूटेंट कैट आ गई, और ये कितनी बड़ी है भाई, 50 ब्लॉक की है म्यूटेंट कैट भाई। इसकी पूछ देख कितनी ज्यादा बड़ी भाई, उससे बड़ी तो उसकी पूछ लग रही है। एक काम कर डैश जल्दी पीछे, हम लोग आर्मर पहन लेते हैं जल के। चल जल्दी चल भाई, इसे जीतेंगे कैसे, ये तो बहुत ही हार्ड है। अरे भाई ये पानी के लिए तो हमने खुद के लिए एरिया नहीं बनाया। मैं तो आ गया लेकिन। तो भाई रुक जा रहा, मुझे थोड़ा डैमेज लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है यार एक ब्लॉक उठा के ला ले, हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे अपने लिए। चल भाई अंडरग्राउंड चल जल्दी से, वही तो ऊपर क्यों जाना, जल्दी नीचे। भाई जल्दी से हम लोग नीचे चलते हैं। और डैश तू पहन ले अपने लिए आर्मर। ठीक है पहन रहा हूँ, मैं तो आर्मर पहन लिया अपना, तू भी जल्दी पहन। ठीक है भाई मैं यहाँ पे एप्पल उठा लेता हूँ सबसे पहले और आर्मर पहन लेता हूँ जल्दी से। भाई पूरा आर्मर आ चुका है मेरे पास। और भाई मेरे बूट किसने चोरी कर ली, ये क्या है? चोरी हो गए तेरे बूट, अब क्या करेगा तू? भाई कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, यहाँ से जितने गोल्डन एप्पल है ना इसको डायरेक्ट उठा लेता हूँ यहाँ से और वापस से चलते हैं ऊपर। और डैश भाई मैंने एक जगह और बनाई थी जो कि है भाई ऊपर मैं तुझे दिखाता हूँ एक चीज। तो भाई यहाँ पे मैंने हम दोनों के लिए बनाया है एक बहुत अच्छा सा बो, तो जल्दी से इसको हम लोग उठा लेते हैं। और क्या भाई, और यहाँ से ये भी ले ले, और इसके अंदर इन्फिनिटी लगी है और पावर लगा और फ्लेम लगा, और इससे हम लोग उसको मारेंगे ना तो उसको एकदम अच्छा खासा डैमेज होने वाला है। तो भाई जल्दी चल चल जल्दी चल जल्दी चल। और भाई मेयर इस बार आया नहीं है तो हम लोग को भाई खुद से लड़ना पड़ेगा भाई, इस बार हमारे पास कोई बंदूक वंदूक भी नहीं है, तो जल्दी आ जा भाई डैश। ठीक है बंदूक है पर गोली नहीं है। अरे यार चलो वो भी एक ही चीज हुई यार। तो चल डैश जल्दी से आगे आ जा, और भाई यहाँ पे लगा दे भाई ब्लॉक है अगर तेरे पास तो। हाँ एक ब्लॉक लगा दिया मैंने, आ जा तू जल्दी। इधर पार्क और
करके जाना पड़ेगा। और भाई वो कहाँ चली गई? वही पर है, वही पर है वो। यार ये मुझे तो दिखी नहीं रही है। अच्छा हाँ, अब उसको अपने पास लेके आता हूँ। हाँ अब ये रेंडर हुई है तो ठीक है भाई, इसको हम लोग अपने पास लेके आते हैं। तो डैश एक मिनट तू रुक जा यार, मैं गोल्डन एप्पल खाता हूँ और तू इसको यहीं से बोल से शॉट मारना और मैं इसको माइंस के ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है ठीक है भाई। इसको मैंने मारा भाई, इसको तो आग लग गई और ये मेरे पीछे आ रही है भाई, मार उसको। मैं ट्राई कर रहा हूँ, रुक जा। अबे ये कौन सा शॉट था भाई, मार इसको। और ये हमारे माइंस क्या कर रहे हैं? माइंस काम के नहीं आ रहे भाई। भाई माइंस निकले ही नहीं, माइंस से डर के लग रहा है। अबे भाई यार ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, जल्दी अंदर भाग यार, मुझे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। एक मिनट इसको मैं शॉट से मार के देखता हूँ भाई, ये बहुत ज्यादा हार्ड है इसको मारना। भाई मैं जा रहा हूँ अंदर, अंदर भाग, मैं इधर से मार रहा हूँ मैं। ओ भाई मैं पूरा खत्म हो गया, शिट। और ये फंसी है भाई, इसको मार। डैश तू इधर आजा, भागने दे, रुक जा मुझे भागने दे, तू आ जा इसको। ये यहाँ पे फंसी हुई है, तब तक हम लोग अच्छे से खेल पाएंगे। अरे यार ये अंदर आने वाली है, बस पहुंच ही गई यार, इसको हम लोग जितना डैमेज दे सकते देना चाहिए हमको। तो भाई अंदर आ चुकी है। और सेंट्रीज क्या कर रहे हैं हमारे भाई? सेंट्रीज क्या काम ही नहीं आ रहे कुछ। अरे भाई सबने धोखा दे दिया हमको यार, ये स्नो गोलम भी नहीं मार रहे हैं और इस बार तो मेयर भी नहीं है भाई हमारे पास, मुझे भागना पड़ रहा है। डैश लगता है हमको अंदर जाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं भाई, अंदर आ जा भाई, पासवर्ड डाल के मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे घुसने नहीं दे रहा है। ठीक है मैं अंदर आ गया, तू भी अंदर भाई, बहुत डैमेज हो चुका हूँ मैं, रुक जल्दी भाग। रुक रुक भाई, ये बेड रॉक तो नहीं तोड़ देगा ना? पता नहीं। अरे फ्लिक वो देख क्या हुआ भाई, अबे ये क्या कर दिया इसने? अबे यार वो अंदर आ जाएगा। अबे यार रुक जा, ये पता नहीं उधर कहाँ जा रहा है, इसको मैं लेके आता हूँ। अरे आया, भाग भागो भागो भागो। अरे यार हमारा मॉल तोड़ देगा, गया हमारा मॉल भाई इस बार, पैसे भी गए हमारे पूरे भाई, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये पूरा दूध पी जाएगा हमारा। इसको मारते रहते, रुक जा मैं शॉट से मारता हूँ भाई, कितना खतरनाक है। अरे फ्लिक यार ये आ रहा है मेरे पीछे और पूरा मेरा सब कुछ टूट चुका है यार, चेस्ट प्लेट वगैरह भाई, बचा मुझे। ये क्या है? अरे मरना मत भाई, तेरे पास आर्मर प्लेट नहीं है। और क्या भाई, ये क्या हो रहा है अभी, बचा फ्लिक मुझे भाई, अंदर आ जा तू। मुझे रुक, भागना पड़ेगा मुझे। अरे शिट ये क्या हो गया, तू मर गया? अरे यार इसकी आवाज भी चली गई भाई, अब मैं अकेले इधर क्या करूंगा यार। इसका गोल्डन एप्पल उठा लेता हूँ और ये अंदर तो नहीं घुस सकता यार, लेकिन ये कुछ देर में ये जगह ब्लास्ट कर देगा। तो भाई मैं वेट ही कर सकता हूँ यहाँ पे, यार कोई तो आएगा मुझे बचाने के लिए, या तो मुझे गाड़ी लेके भाग जाना चाहिए यहाँ से। तो यार इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है, मुझे भागना पड़ेगा। और एक मिनट ये कौन सी आवाज थी, अरे भाई ये सब फूट गया। तो अब यार ये अंदर घुसने वाला है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। और एक मिनट ये सीढ़ी से मैं छत पे ही चला जाता हूँ एकदम, और भाई वो तोड़ते यार मुझे भी मार देगा। और एक मिनट ये क्या है भाई, मेयर कहाँ से आ गया? एक मिनट भाई तू क्या कर रहा है, तू कहाँ से आ गया अभी? अच्छा तो ये मुझे बचाने आया। एक मिनट इसने तोप निकाला अपना और ये इसको मारने आया। ओ भाई ये क्या था, गजब। एक मिनट मैं भी इसको मारता हूँ, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ इसकी। ओ भाई इसने इतनी आसानी से मार दिया उसको मेयर ने। अबे फ्लिक कहाँ पर है तू? अरे भाई इधर ही हूँ, क्या हुआ? भाई मैं बहुत सारे विदर स्केलेटन को मार के आया था, ये ले उनकी हेड, इससे हम विदर को मार सकते हैं। लेकिन भाई वो लोग कह रहे थे उनका बॉस आने वाला हमें मारने के लिए। भाई कौन सा बॉस? मुझे क्या पता, जो भी है उन्होंने कहा था उनका लीडर है वो, उनका किंग है भाई। अब खतरनाक तो होने वाला, हमें मारने के लिए आने वाला है वो। अरे यार तो क्या यहाँ से आ रहा है, और कहाँ से आएगा भाई? अरे भाई अब यार हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना उससे बचने के लिए, नहीं तो यार वो बदला लेगा हमारे ये स्कल का। भाई हम उसको स्कल तो वापस देने वाले हैं नहीं, तो बदला तो लेना ही पड़ेगा हमें अब। तो यार इसका मतलब तो ये है कि हमको यहाँ पे अपना एक डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। और क्या भाई, और क्या बना सकते हैं, उससे लड़ भी नहीं सकते हम लोग, डिफेंस सिस्टम ही बनाना पड़ेगा हमें। तो भाई यार हम लोग यहीं पे बनाएंगे डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अगर वो हमारे घर तक पहुंच गया ना तो भाई हमारी खैर नहीं। तो यार हमको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहीं से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। तो भाई हमारा डिफेंस एक्ट बनाने से पहले भाई तुम लोग भी जाके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और भाई इस वीडियो का लाइक हम क्या रखते हैं भाई, डैश बता जल्दी। इस वीडियो का लाइक है ओनली वन, जो बंदा हमारे वीडियो देख रहा है उसको लाइक करना ही पड़ेगा। तो ठीक है यार तुम लोग जाके जल्दी से लाइक कर दो और हम लोग यहाँ पे डिफेंस सिस्टम हमारा बनाना चालू करते हैं। तो एक काम करते हैं भाई डैश, एक काम कर दो, सबसे पहले माइन उठा ले जल्दी से। ठीक है भाई माइन ले लेता हूँ मैं। भाई माइन है मेरे पास में, यहाँ पर माइन लगाना है हमें। यहाँ पे हम लोग शुरुआत माइन से करते तो वो लोग भाई इधर आके उनको वैसे बहुत सारा डैमेज मिल जाएगा। वैसे कितने बॉस आने वाले इतना पता है तुझे? बॉस तो एक ही आएगा ना, बॉस तो बॉस होता है। अच्छा यार लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, तो एक काम कर भाई जल्दी से यहाँ पे लगा दे और इसके ऊपर पैर मत रखना, नहीं तो भाई फूट जाएगा यहीं पे। ठीक है भाई लगा दे पूरे। तो भाई चलो भाई ये वाला काम तो हमारा हो गया है भाई। लेकिन एक बात बता, इससे क्या होगा, वो बॉस को खतरनाक इंसान है वो, जैसे वो विदर स्केलेटन बात कर रहे थे ना उस हिसाब से कैसा बॉस होगा वो, इससे कुछ नहीं होगा उसको। हाँ भाई आगे हम लोग बिल्ड करेंगे, लेकिन अगर तुझे लग रहा है ना कि इससे कुछ नहीं होगा तो भाई इस पे चढ़ के देख ले एक बार। ठीक है तो बोलता हूँ, चढ़ के देख लेता हूँ। ठीक है भाई जा रहा हूँ मैं। ओ देखा बेटा दम है इसके अंदर। और अगर उसने यहाँ पे दो के ऊपर भी पैर रख दिया ना तो हमारा आधा काम तो यही हो जाएगा। तो भाई जल्दी से इसको भर दे पहले। तो वही काम कर रहा हूँ, तेरे बोलने से पहले भी कर दिया मैंने। तो चल यार डैश हमारा ये वाला काम तो हो गया, अब एक काम कर भाई तू इधर आ, इसको पकड़ पहले। ठीक है ले लेता हूँ मैं, अरे बस काफी है। तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हमको यार उसको ना पहले थोड़ा बहुत थका देना चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हम लोग सीढ़ी बना देते हैं और इसके ऊपर हम लोग उसका डिफेंस बेस बनाएंगे। तो एक काम कर तू इसके पीछे पीछे में लगा और जल्दी से हम लोग एकदम अच्छे से टीम वर्क करते हैं यहाँ पे और भका भक लगाते हैं। ठीक है भाई। तो चलो यार इतनी हाइट भाई लगता है मुझे काफी होगी। और अब यार भाई यहाँ पे आ जा जल्दी से, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं हम लोग। तो चल भाई हमारा ये काम तो हो गया है। और यार अब हम लोग ना यहाँ से एक टनल बना लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो भाई इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा ना वो तो तुझे आगे पता चलेगा, तो भाई जल्दी से काम चालू कर दे। ठीक है भाई, इससे भाग के आना पड़ेगा हमें, मतलब भागने के लिए अच्छा रहेगा ना टनल हमारे लिए। हमारे लिए भी अच्छा रहेगा लेकिन उसको ज्यादा टाइम लगेगा वहां से भागने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो है। और वैसे भी भाई इसके अंदर मैं एक ऐसी चीज लगाने वाला हूँ ना जो कि तूने सोचा ही नहीं हो। तो डैश यार ये हमारी टनल तो भाई बन के तैयार हो गई है। अरे यार लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है। अरे तो भाई मेरे हाथ में है ना
ग्लोस्टोन, टेंशन मत ले तू, यहाँ पर अभी देख कितना रोशनी आ जाएगी, ठीक है ऐसे लगाना है मुझे ग्लोस्टोन थोड़े गैप में। भाई भागने के लिए अच्छा एरिया यार यहाँ पर। हाँ भाई, और ये कितना ज्यादा गजब दिख रहा है भाई, बहुत ज्यादा गजब दिख रहा है, और हमारे लिए अच्छा भी हो जाएगा भागने के लिए, टाइम मिल जाएगा हमें। और भाई अब वक्त आ चुका है कि हम लोग इसमें लगा ले बहुत सारे लेजर्स, तो भाई डैश यहाँ पे तू जल्दी से गड्ढे करना चालू कर दे और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पूरे लेजर्स को। और भाई ये देख कैसा एक्टिव हो गया है। ठीक है भाई, मैंने बहुत सारे गड्ढे कर दिया, जाकर मैंने होल किया वहाँ पे तू लेजर लगा दे, बस इतना ही काम है तेरा। अरे भाई ये गड्ढा तूने कैसा कर दिया, ये तो आड़ा है। अरे टेंशन मत ले। तो भाई ये वाला काम तो हमारा हो चुका है, और भाई ये बहुत अच्छा दिख रहा है ना भाई। अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन क्या फायदा, कुछ डैमेज तो नहीं पहुंच रहा है इससे, मुझे नहीं पहुंच रहा तो उसको कैसे पहुंचेगा। अरे भाई तू सर्वाइवल में तो है ना भाई, सर्वाइवल में मार के देख मुझे। अच्छा हाँ यार, इसके अंदर हमको हार्मिंग मॉड्यूल डालना पड़ेगा यार। चलो ये मैंने उठा के तो रखा है बहुत सारा, इसको हम लोग सामने में पकड़ लेते हैं। तो भाई इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और ऐसे मुझे हार्मिंग मॉड्यूल डालना पड़ेगा। और अब यार तुझे इसका डैमेज होगा, जाके देख एक बार। ओ भाई अभी डैमेज हुआ है मुझे। भाई तू मर गया भाई, तूने गोल्डन एप्पल चुरा के रखे थे, क्या बात है। हाँ भाई ठीक है भाई, तो अभी एक एक करके भाई सबके अंदर मुझे हार्मिंग मॉड्यूल डालना पड़ेगा, तभी जाके ये सब एक्टिवेट होंगे। तो भाई मैं अपना काम यहाँ पे चालू रखता हूँ और भाई एक एक करके एकदम आखिरी तक डाल देता हूँ इसको। तो चलो भाई हमारा ये वाला काम तो हो गया है, लेकिन यार मुझे नहीं लगता भाई हम लोग इतने में उस राक्षस को मार पाएंगे, तो यार हमको यहाँ से थोड़ा हाइट और इंक्रीज कर लेना चाहिए। तो भाई यहाँ पे तो ब्लॉक लगा जल्दी से, और भाई इसी तरीके से लगाते रहे और मैं तुझे बताऊंगा कि रुकना कब है। ठीक है साहब, तो भाई इतनी हाइट काफी होगी, बस भाई बहुत ज्यादा ऊपर आ गए वैसे भी। तो यहाँ पे यार हमको एक और प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए जल्दी से। भाई डैश काम चालू कर। अरे फिर एक बात तो बता, ये है क्या चीज, बना क्या रहा है तू यहाँ पर। अरे भाई मेरा प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पे ना एक पार्कोर जैसी जगह बनाएंगे, जो कि भाई वो राक्षस तो नहीं कर पाएगा, वो भाई गिर जाएगा और इसके अंदर में डालने वाला हूँ लावा। अरे भाई क्या बात है, लग ही रहा था मुझे। तो एक काम करना, इसको जल्दी से बना ले अपनी जादू की छड़ी की मदद से। तो यार वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने यार यहाँ के जो एरिया है ना उसको सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे बस हमको एक कमांड डालना होगा जो कि है सेट गॉड्स। और भाई इसको मैं जैसे एंटर दबाऊंगा वैसे ही यहाँ पे भाई ये पूरा एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे यार मुझे थोड़ा बाजू में भी बनाना है, तो यार सबसे पहले मैं ये एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इधर जाके ये वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा स्मूथ क्वार्ट्ज और एंटर। तो भाई यहाँ पे हमारा पूरा एरिया बन चुका है, और भाई यहाँ का थोड़ा एक दो ब्लॉक में तोड़ देता हूँ पहले तो। अरे भाई इससे नहीं यार, इससे तोड़ना पड़ेगा। तो चल यार हमारा इतना काम तो हो गया, अब इसके अंदर रहेगा लावा। तो भाई एक काम कर, लावा तू भर दे और मैं इसको बना देता हूँ जल्दी से। ठीक है भाई, मैं लावा यहाँ पर भर देता हूँ। भाई मेरे को तो ज्यादा काम है नहीं भाई, मुझे बस ऐसे ज़िगज़ैग में बनाना है। ठीक है भाई, जैसे मैं एंटर करूंगा लावा आ जाएगा यहाँ पर, अब देख। ओ भाई ये कितना गजब दिख रहा है भाई, यहाँ पर तो पक्का वो हेवन गिरेगा भाई। वो ना भी गिरे लेकिन हमको यहाँ से भागने का टाइम मिलेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। तो यार कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से ऐसा भागने वाला हूँ, ऐसे ऐसे करके हमको भागेंगे ये साइड पहुंचने के लिए। और वो पगला तो कूद नहीं सकता है, तो भाई उसको एकदम यहाँ पे फॉलो करके आना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको आइडिया लगा के बनाया। भाई सही है ना। भाई बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बता दो, वो हैवान है भाई, नरक का राजा है वो, उसको लावा से कुछ भी नहीं होने वाला है। और भाई वो आता ही होगा, हम कितना टाइम लगा रहे हैं, जल्दी कर जो भी करना है। अरे यार ठीक है चलो भाई, इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आगे का। भाई अब तेरे दिमाग में कोई प्लान है क्या? ये सब मेरा ही तो प्लान था यार, हमारा ये काम तो हो गया। अरे डैश भाई तू ये क्या कर रहा है? अरे भाई दिखना भी तो चाहिए ना, मुझे खुद नहीं अच्छे से दिख रहा है तो तुझे क्या दिखेगा। तो यार भागने के लिए अच्छा रहेगा, ब्लैक कलर अच्छे से दिखता है। हाँ भाई ये भी बात है। तो एक काम करता हूँ यार, मैं सबसे पहले इसके साइड से ही बना लेता हूँ, क्योंकि यार वो भाई ये तो बाजू से भी आ सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये बात तो है, तो साइड से एक काम कर रहा हूँ, तो वॉल बना ले। ये भाई मैं यहाँ पे वॉल बना लेता हूँ, और वो काम तू जल्दी से खत्म कर। भाई ये हो चुका है। तो ठीक है यार डैश, यार ये बहुत ज्यादा गजब दिख रहा है, और यार ब्लैक कलर तो और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अब बता यार हमको आगे क्या करना है? तो यहाँ पर हमें एक फ्लोर बनाना है, उसके बाद बता दो क्या करना है। पहले फ्लोर बना लेते हैं, एक काम करते गोल्ड का बनाते हैं। ठीक है भाई चलो, यहाँ पे गोल्ड का एक फ्लोर बनाते हैं और यहाँ पे एक रूम बना लेते हैं। तो मेरा आइडिया ना, टेंशन मत ले तू, खतरनाक आइडिया है। तो भाई यार ये एरिया तो बहुत गजब दिख रहा है, अब तुझे पता ना कि भाई उसको कैसे बनाते हैं इस ब्लॉक से? हाँ भाई जरूर पता मुझे। भाई जल्दी से काम चालू कर दे। तो भाई मेरा तो काम हो गया, तेरा हो गया क्या? हाँ भाई देख ले, यहाँ पर ये लगाना है और प्रेशर प्लेट लगाना है। ठीक है, बस इसके अंदर आर्मर हम लोग बाद में डाल देंगे। अब बता मुझे आगे क्या करना होगा? तो भाई अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जैसे हम यहाँ पर आएंगे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके बाद बता दो क्या करना है, पहले प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे इसको खोद देता हूँ भाई, क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना हाइट में, तो भाई वो आ नहीं पाएगा यहाँ पे। तो चल भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और वापस से क्वार्ट्ज का बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ठीक है यार ये प्लेटफॉर्म तो बना दिया, अब आगे क्या करना है हमको? अब यहाँ पर हमें डिस्पेंसर लगाना है, तो डिस्पेंसर पकड़ ले पहले, ये ले बहुत सारे डिस्पेंसर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर तुझे ऐसे आड़े में डिस्पेंसर ऐसे लगाना है। तो चलो ठीक है भाई, ये वाला काम मैं कर देता हूँ तेरे लिए। और मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। अच्छा ठीक है भाई, मेरे लिए। तो भाई अब आगे क्या करना होगा हमको? यहाँ पर हमें रेडस्टोन लगाना है। रेडस्टोन, अरे भाई वो भी दे दे मुझे। हाँ भाई देता हूँ। तो भाई हमको रेडस्टोन तो मिल चुका है, तो भाई इसको यहीं पे लगाना है ना? हाँ बस यहाँ पर लगा दे पूरा रेडस्टोन, इसके ऊपर भी लगाना है यार, कनेक्ट कैसे होगा भाई, रेडस्टोन आता नहीं है तुझे? अरे हाँ यार मैं पागल हो गया शायद। तो ठीक है, रेडस्टोन लगा दिया तूने, अब ये देख ऐसे ऑन ऑफ करेंगे हम लोग, और यहाँ से निकलेगा हमारे बहुत सारे एरोस, पहले एरोस पकड़ ले तू। ठीक है, ये रहा तेरा एरो, ये सारे डिस्पेंसर में एरो घुसा दे। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं एक एक करके सब में डाल देता हूँ। ज्यादा मत डालना, इतना काम नहीं आएगा हमें, एक स्टैक काफी रहेगा। ठीक है भाई, ज्यादा भी डाल दिया तो क्या होगा, उसको राक्षस को मारना है हमको कैसे भी करके। तो ठीक है यार, ये तो हमारा काम हो गया, अब एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कैसा होता है ये। तो ठीक है, वहां से भाग के आता हूँ मैं, अब देख जैसे मैं यहाँ से आऊंगा। ओ भाई छोड़ते रहे एरो, कितने सारे एक साथ हो रहे हैं भाई, ये साइड का भी देख लेते हैं, हर जगह काम करता है। तो एरो को उठा लेते,
फिर से मैं डिस्पेंसर में फिर से भरना पड़ेगा इनको। भाई कितने सारे एरो हो गए, वापस से डाल दे। और भाई अब इसके आगे क्या करते हैं भाई मैं बताता हूँ, क्योंकि अब हमको चाहिए बॉडीगार्ड। तो भाई तुझे अभी इतना तो कंफर्म है ना कि वो स्केलेटन ही आने वाला है जो उनका बॉस है? अरे भाई उनकी बात तो लग रहा था खतरनाक इंसान होने वाला है, पूरा नर्क कर आ जाए भाई। और टाइम नहीं है हमारे पास में, इतना टाइम क्यों लगा रहा है तू, जल्दी आ। तो आ जा भाई जल्दी से, यहाँ पे सीढ़ी लगाना चालू करते हैं, क्योंकि भाई उसको हमको ना भाई पूरा थका देना है ऊपर चढ़ा चढ़ा के ही। तो भाई मुझे लगता है इतनी हाइट काफी रहेगी। तो यार मैं यहाँ पे अभी बना लेता हूँ वापस से एक और प्लेटफॉर्म। और भाई तब तक तू एक काम कर डैश, भाई तू जाके ना वहाँ पे एनविल में चार नाम रख ले, मतलब तेरे फेवरेट जो भी नाम है वो किधर काम आएंगे वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तो मैं तब तक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। चलो यार इतना तो हमारा काम हो चुका है, तो भाई बस यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पे निपटा लेता हूँ। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा। और बीच में मैं डाल देता हूँ फेंस, क्योंकि यार थोड़ा बहुत नजारा भी देख पाए हम लोग। और भाई डैश तेरा काम हो गया क्या? भाई जरूर मेरा काम हो चुका है, कितना बढ़िया दिख रहा है यार देखने में। तो भाई एक काम कर, तू भी हाथ लगा इस पे और जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर मैं स्पॉन करता हूँ हमारे बॉडीगार्ड। ठीक है भाई। चलो यार ये भी हमारा काम हो गया। और भाई अब ये कितना ज्यादा गजब का दिख रहा है भाई। भाई गजब तो दिख रहा है, लेकिन इसमें कौन आने वाले, बॉडीगार्ड? तो स्पॉन तो कर दो भाई बॉडीगार्ड को। बॉडीगार्ड है ये, देखो ये हमारे बॉडीगार्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे को स्पॉन कर देता हूँ, और इनको सबसे पहले मुझे टेम करना पड़ेगा। और क्या बात है, अब भाई ये लोग मेरे कुत्ते बन चुके हैं, तो इसको भाई बैठा देते हैं अभी हम लोग। भाई इनको मरना पड़ेगा यार। भाई नहीं, अरे भाई ये कहाँ भाग गया, इसको जाने दो, ये एक एक्स्ट्रा में रहेगा बाहर आराम से। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे चार लोगों को स्पॉन कर देता हूँ, और इनको टेम करके अभी यहीं बैठा देते हैं, क्योंकि भाई इनको बहुत बड़े वॉर में जाना है। तो भाई एक एक को तू नाम दे दे सबसे पहले। तो ठीक है फ्लिक, तूने मुझे नाम देने के लिए कहा था इन डॉगीज को, तो वो नाम दे दिया मैंने तेरे कहने पर। भाई क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया है तूने। और भाई यहाँ पे एक से एक नाम दिया है तूने सब लोग को। अब भाई यहाँ से हमको बस ऊपर जाके बस एक दो आखिरी चीजें और बनानी है, और उसके बाद यार हम शायद सिक्योर हो जाएंगे। और भाई यार मुझे अभी एकदम से याद आया कि हमारे 300 के सब्सक्राइबर भाई बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो इसलिए जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और अभी मैं, चलो यार भाई डैश किधर है तू? भाई चल ऊपर, अभी और बनाना है हमको, काम और बाकी है। ठीक है भाई जल्दी से बना दे जो बचा हुआ काम है। तो यार डैश यहाँ पे अभी हमको वापस से एक प्लेटफॉर्म बनाना है, और ये आखिरी चीज है जो कि मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो फिर जल्दी से हम लोग इसके लिए अपनी स्टिक इस्तेमाल कर लेते हैं। और भाई रुक, तो भाई अभी मैंने दोनों जगह सिलेक्ट कर लिया, और अभी हमको भाई यहाँ पे जल्दी से डालना पड़ेगा एक कमांड। तो ये वाला कमांड हमको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे दबाना एंटर। और भाई यहाँ पे हमारा काम बहुत जल्दी हो गया है, और इसके आजू बाजू में हमको भाई आयरन के बार्स लगाने हैं। तो भाई डैश जल्दी से काम चालू कर दे, चार ब्लॉक तक उठा ले भाई उसको। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई चलो हमारा ये वाला काम भी हो गया, और अब हम लोग भाई यहाँ पे सिर्फ टावर बनाने वाले। तो डैश भाई तू इधर आ जा, एक काम कर तू ये साइड कोई भी अपने मन से टावर बना ले, और भाई मैं ये साइड बना लेता हूँ, और उसके बाद भाई ये जगह आखिरी रहेगी। अगर वो यहाँ तक नहीं मराना तो हम लोग अपने टावर पे चढ़ेंगे ऊपर जाके, और वो उसको भाई ऊपर से ही मारेगा, वो यहाँ पे फंसा रहेगा। ठीक है भाई बना लेता हूँ जल्दी से मैं। तो भाई मेरा प्लान कैसा लगा ये वाला? बहुत ही भयानक और बेकार। अरे अच्छा तू जान दे भाई, अपना काम कर तू, रहने दे। तो भाई चलो यार ये वाला हमारा काम हो चुका है। और भाई ये देखो ये मेरा टावर है और ये डैश का टावर है, और भाई इसने कितना ज्यादा खतरनाक बनाया। और भाई ये हमारा लास्ट चीज है, और अब हमको सिर्फ रात का वेट करना। और भाई यहाँ पे मतलब शाम भी हो चुकी है। और भाई कमेंट करके बताओ किसका टावर आपको बढ़िया लगा है, जब तक वो विदर स्केलेटन किंग आता है तब तक आप कमेंट करके बताओ किसका टावर आपको बढ़िया दिख रहा है यार। और भाई कमेंट में रेटिंग भी दे देना इसका, तभी हमको पता चलेगा कि इस चीज का विनर कौन है। ठीक है भाई, मुझे कम टाइम मिला था फिर भी इतना अच्छा बनाया मैंने। तो चलो यार हम लोग एक बार वापस से देख के आ जाते हैं कि हमने क्या क्या बनाया है। भाई एक बार लास्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई क्या होगा। तो भाई वो जो स्केलेटन है वो आएगा यहाँ से, और उसके सामने रहेंगे ये खतरनाक चीजें। और एक मिनट यार यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा गैप लग रही है। तो भाई ये ठीक हो चुका है, और फिर वो आएगा यहाँ से ऊपर की तरफ। और भाई यहाँ पे तो उसकी शायद आधी 50% मौत तो इधर ही हो जाएगी। तो भाई यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ पे आती है एक सीढ़ी, और इधर आने के बाद भाई ऐसा वो जिगजैग तरीके से आएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कूदते कूदते चले जाएंगे यहाँ से। और फिर उसके बाद भाई यहाँ पे हम लोग भग से ले लेंगे आर्मर को, और वो तब तक भाई वहीं से आते रहेगा। और फिर यहाँ से आगे जाने के बाद हमारा ये खतरनाक से एरो है। और भाई रात हो चुकी है यार। अब भाई डैश किधर है तू? भाई इधर वॉच टावर में हूँ मैं। और एक मिनट भाई, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है मुझे, भाई दूर से कोई बंदा आ रहा है यार। भाई आ तो रहा है वो, और बहुत ज्यादा स्पीड में भी आ रहा है भाई, ठोक देगा यहाँ पर टावर में वो। अरे भाई ये मेयर है। ओ भाई मेयर ऐसा दिख तो रहा है, हाँ शायद मेयर ही है ये, इसको आने दो भाई, ये शायद लैंड करवाना चाहता लेकिन इसे हो नहीं रहा है। भाई ये शायद हमको बचाने आया है यहाँ पे, शायद उसको खबर मिली होगी। अरे पगला कर क्या रहा है? अरे डैश भाई ये आखिरकार नीचे आ गया है, और ये शायद अब लैंड करने वाला है। और भाई कितने फॉर्म में लैंड कर रहा है ये, और आ गया भाई। ये कौन सा लैंडिंग थी भाई? इधर देख क्या हुआ भाई, तुम क्यों आयो? अच्छा तो ये हमको बचाने आया भाई। भाई कुछ अपने साथ में चीजें भी लाए हो कि सिर्फ यही है? तो भाई इस बार इसने कुछ नहीं लाया है। तो यार ठीक है यार, अब हम लोग वेट करते हैं कि वो स्केलेटन कब आता है। भाई डैश तू देख के आ जाए, वो आया है कि नहीं अभी तक? भाई मैं अकेले जाओगे? मेरे साथ कोई आओ, खतरनाक इंसान है वो। ठीक है भाई मैं भी आ जाता हूँ। अबे फ्लिक, वो विदर स्केलेटन किंग आ चुका है यहाँ पर, चुपचाप देख उसको। एक मिनट, वो आ गया क्या? हाँ ना भाई, भाई। अरे आ रहा है, वो भाई फूट गया, ब्लास्ट हुआ है वो। एक बार फूटा, ओ भाई वो कहाँ गया? वो आ गया भाई, ऊपर है वो। कहाँ ऊपर? ये नीचे आया वो अभी। ओ भाई आ जा इधर, इधर कहाँ कूद रहा है भाई? कितना ऊपर कूद रहा है ये? पागल हो गया, अंदर हो चुका है। अंदर आओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आने दो उसको। अभी फ्लिक यहाँ पर आ चुका है वो। अरे भाई ये आ गया है, अंदर भी आ रहा है। ये क्या कर रहा है वो? भाई वो गिर गया है, वो अंदर आ गया। भागो भागो भाई, मैं हम नहीं बचा उसको लेजर से। अबे फ्लिक उसको लेजर से कुछ भी नहीं हुआ। अबे भाई ये लेट लेट क्या आना चाहता है, क्या कर रहा है? भागो भाई, निकलो यहाँ से जल्दी आओ। ओ भाई उसने मुझे बहुत
बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है भाई। मैं आके आर्मर पहन रहा हूँ इधर, तो भाई आर्मर तो मिल गया मुझे और वो आता होगा यार। मैं इसको जल्दी से ये भी उठा लेता हूँ यहाँ से। और एक मिनट भाई, इसमें से मुझे ये भी निकालना चाहिए एरो कुछ, और अभी भाई उससे मैं फाइट करने के लिए रुका हूँ यहाँ पे। तो ठीक है यार, मुझे यहाँ इस कोंटे में आके जल्दी से अपना गोल्डन एप्पल खाना चाहिए। और भाई वो कहाँ है? भाई वो आ रहा है, देख मेरे पीछे है वो, जल्दी देख। भाई वो इधर ही खड़ा है यार। भाई बच, अबे भाई ये कूद गया, ये क्या पागल हो गया भाई? इधर आ, मेर भाई इसको कर भाई, इसको अंदर आ दे भाई। वो कहाँ है भाई? ये पागल है क्या? क्या करना चाहता है? ओ भाई, ये अंदर घुस रहा है भाई, उसको मारो। अरे अरे, तो मेरे पीछे ही आया है भाई। तुम लोग क्या कर रहे हो, बैठ के मुझे बचाओ भाई। अपने डॉगीज को उठा जल्दी, डॉगीज को उठा, वो आ रहा है। ये किस कोंटे से आ रहा है भाई? इधर से आ गया। अरे यार, इसने मुझे हिट मारा है भाई, कोई बचाओ। डॉगीज के पीछे पड़ चुके भाई, डॉगीज हमारे उसके पीछे पड़ चुके, भाग रहा है वो डॉगी से डर के। अरे वो मेरे पास आ रहा है भाई, मुझे बचाओ। रुक जाओ, मैं एरो का यूज करता हूँ भाई। हमारे सारे कुत्ते मर चुके हैं अब। अरे यार, वो उधर में रुक कर वेट कर रहा है मेरा। भाई तुम लोग इधर आओ। ओ भाई, ये आने वाला है भाई, आ रहा है भाई। तू क्या कर रहा है भाई? इसको मार यार। मैं क्या कर रहा है बाबर? इसने हमको टारगेट बना दिया, इसने मार दिया मुझे। भाई मैं जा रहा हूँ अपने टावर में। ठीक है, मैं भी अपने टावर पे जा रहा हूँ भाई। भाई ये वापस से साइड से आ रहा है यार। भाई बहुत ज्यादा दिमाग है इसके पास। अरे भाई मुझे बचाओ, ये पागल हो गया भाई। तू मुझे चढ़ने नहीं दे रहा है मुझे। भाई मुझे बचाओ। मेरे ऊपर आया भाई, तू बच गया। अब वो मेरे ऊपर आ चुका है। तेरे ऊपर आया हो भाई? छोड़ा तो सही, मैं इसको इधर से मारता हूँ। और भाई मेयर किधर है भाई? हमको बचा वो भाई। चलो मैं आखिरकार ऊपर तो आया भाई, इसको मारना पड़ेगा अब। भाई मेयर इसको मार रहा है भाई, उसको मेरे ऊपर एम लगाया, तुम लोग मारो उसको। एक मिनट, मैं इसको मारे जा रहा हूँ यार। मेरे पास ज्यादा एरो नहीं बचा है भाई। किससे पंगा ले लिया हम लोगों ने यार? ये करना क्या चाहता है? लेकिन लगता है मुझे इससे जाके भाई नीचे जाके लड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तू आएगा मैं भी इसके ऊपर अटैक कर दूंगा। ठीक है भाई, तू भी नीचे आ जा। ठीक है भाई। भाई ये बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है भाई, उड़ा दिया उसने भाई, इसने मुझे उड़ा दिया हवा में। अरे भाई ये मेयर क्या कर रहा है? मशीन गन लेके आ गए तो। ओ भाई, भाई इसने खत्म कर दिया इसको। ओ भाई ये क्या किया इसने भाई? बहुत खतरनाक आदमी है तू तो। भाई मेयर कितना खतरनाक आदमी है, हर बार बचा लेता है हम लोगों को वो। भाई यार, ये इसने मशीन लेके आया आज, इसलिए हम लोग जिंदा है, नहीं तो भाई हमारा गेम खत्म हो जाता। तो चल यार डैश, हमारा ये घर तो बन के तैयार हो गया। और भाई कितना ज्यादा गजब दिख रहा है। कोई तो यार, कितना बढ़िया घर बना दिया हम लोगों ने यार, एकदम फ्लैट वर्ल्ड में भाई। गजब का घर है, एकदम मॉडर्न हाउस। और एक मिनट यार, मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ। अरे फ्लिक, वहाँ पर कुछ है। इधर इधर है, जल्दी, सामने कुछ दिख रहा है मुझे भाई। क्रीपर की मुंडी है वो तो। वही तो, बाप रे, जल्दी आ भाई। चल चल, हेलो, आजा आजा भाई, चल अंदर चलते हैं भाई। ये कौन सा गंदा सा क्रीपर का सर है भाई? एक मिनट भाई, इसके अंदर ही शायद दरवाजा है ना। हाँ दरवाजा लग रहा है, खोल के देखता हूँ। रुक, ओ भाई ये कौन है? रुक फ्लिक, इधर से आ, इधर से आ भाई। अरे हाँ, एक क्रीपर है, इतना छोटा। अरे क्रीपर क्या हो गया? बौना हो गया क्रीपर तो भाई। इसको खाना तो, इसको पोलियो मारा है शायद भाई। मुझे लगता है क्रीपर जो है ना, रात तक के बहुत बड़ा क्रीपर बनने वाला है और हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। तूने खबर सुना था ना वो वाली? अरे तो भाई इसको अभी निपटा देते ना हम लोग। बच्चे को मारना पाप है, तुझे पता नहीं है क्या? अरे हाँ यार, ये तो बात बोला तूने, लेकिन तो हमको क्या करना चाहिए भाई? क्या करते भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, रात तक इंतजार करते। अगर ये खतरनाक म्यूटेंट क्रीपर बनता है तो भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन देखते हैं भाई, अपन डिफेंस बनाते हैं अपने बेस के लिए भाई। इतना अच्छा घर बनाया अभी अभी हमने, 10 दिन की मेहनत के बाद भाई। ये तो तू सही बोल रहा है, एक काम करते हैं भाई, जल्दी आ जा बाहर, यहाँ से बाहर बंद करके गेट को, और हम लोग चलते हैं यार जल्दी से पीछे की तरफ अपने घर के पास। और वहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा हमारा पूरा सिक्योरिटी बेस, और ये जब पड़ा होगा ना भाई, इसको तब हम लोग निपटाएंगे। एक तो हमारा घर सामने ही है ना, तो हमारे घर पे आएगा सबसे पहले फोड़ने के लिए वो। हाँ भाई ये तो बात है, अगर वो हमारे ऊपर फोड़ने आया तो हम लोग उसको मारेंगे, नहीं तो उसको हम लोग बख्श देंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग को ना भाई इधर में काम करना चाहिए इस बार, कि ये जो दरवाजा ना, इसको हमको तोड़ना चाहिए। और रुक जा भाई, डैश किधर है तू? इधर आ। रुक जा, मैं तेरे को एक डोर देता हूँ। तो देख भाई, ये एक स्कैनर डोर, इसको पकड़ तू। एक तो एक को मैं ये साइड लगा देता हूँ, और दूसरे को तू वो वाले साइड लगा दे। अब ये बस हमारे आंखों से खुलेगा। तो देख भाई, वहाँ पे तेरे को लिख के आ रहा होगा हेलो फ्लिक एम्पायर डैश एम्पायर, लिख के आ रहा होगा, तो मतलब हम ही लोग घुस सकते हैं वहाँ। क्या बात है। तो भाई चल, हमारा ये तो काम हो गया है। तो डैश भाई, अब एक काम करते हैं, वो ना भाई एक क्रीपर है, तो वो आएगा इधर और भाई करेगा भयानक तरीके से ब्लास्ट। तो हमको एक ऐसा ब्लॉक चाहिए जो कि भाई ब्लास्ट से बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब ब्लास्ट से वो फूटता नहीं है। तो भाई एक ही ब्लॉक बाकी है, एक है क्राइंग ऑब्सीडियन और एक है नॉर्मल ऑब्सीडियन। तो यहाँ पे जो क्राइंग ऑब्सीडियन है ना तेरे पास भाई, इसको उठा ले, और यहाँ पे कम से कम 4 ब्लॉक तक वही लगा देते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे ऑब्सीडियन लगा देता हूँ और तू लगा दे क्राइंग ऑब्सीडियन, एकदम रैंडम लगा दे, तो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा, हमारा घर का लुक खराब नहीं होगा। हाँ वो तो है यार, क्राइंग ऑब्सीडियन वैसे भी अच्छा दिखता है। अरे भाई डैश, ये कितना ज्यादा गजब दिख रहा है अपना घर भाई, वो क्रीपर देख के भी घबरा जाएगा। वही तो भाई, क्या खतरनाक दिख रहा है। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि हमको जो सामने के वॉल है ना अपने घर में, एक बाउंड्री बना देनी चाहिए इस साइड में, और भाई हमको इसी का बनाना पड़ेगा शायद ऑब्सीडियन का, क्योंकि यार हमको हर चीज इस बार ब्लास्ट प्रोटेक्शन वाला ही बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से काम चालू करते हैं। मैं एक को भाई यहाँ पे लगा देता हूँ, और भाई रुक जा, मैं सारे कॉर्नर पे एक मार्किंग कर देता हूँ मैं सारे कॉर्नर पे, कि हमको कितना करना है, और फिर हम लोग इसको बीच में भर देंगे। अरे फ्लिक, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं
बचा है भाई, कुछ कर। ठीक है भाई रुक जा यार, मैंने वैसे भी एक वॉन्ड उठा लिया था, तो उसके मदद से हम लोग यहाँ पे जल्दी से काम कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे अपने पहले ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और फिर उधर जाके मुझे इसके एक नीचे वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और फिर मुझे लिखना है यहाँ पे एक कमांड जो कि है ये वाला कमांड, और यहाँ पे मुझे दबाना होगा एंटर, और भाई यहाँ पे बन जाएगा वॉल पूरे तरीके से। और देखो भाई अब हमारा घर भी ऑब्सिडियन का हो गया है और इसके बाहर जो वॉल है वो भी ऑब्सिडियन का हो गया है। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत खोद देते हैं अपने एंट्रेंस के लिए, क्योंकि हमको भी तो भागना पड़ेगा ना यहाँ से। और भाई डैश यार एक बात बता, वो मेयर का क्या हुआ? भाई मेयर का इस बार मुझे खबर नहीं है भाई, इस बार सच बता रहा हूँ, मेयर का मुझे नहीं पता, लेकिन एक और बंदा हायर किया हूँ मैंने, वो आ सकता है। तो भाई कौन है वो? भाई वो तो बाद में मालूम चलेगा तुझे। तो भाई तू उसको अभी कॉल कर। तो भाई वो जल्दी से बंदूक खरीद के ला ले, और भाई ज्यादा टाइम नहीं हमको बचा है, और रुक जाए ये चीज बनाने के बाद ना हम लोग एक बार चलेंगे उसी स्टैचू के अंदर और देखते हैं भाई उसका साइज बड़ा कि नहीं। ठीक है और क्या भाई। तो चल डैश यार अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बस एक चीज आ रही है जो कि यार अब उस राक्षस की ना स्पीड कम करना। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं 3 ब्लॉक तक ये वेब लगा देता हूँ, और तब तक भाई तू एक काम कर, इधर ये जगह में से 2 ब्लॉक का यहाँ पे गड्ढा करते हैं, और भाई इसको यहाँ से ना पूरा एकदम हमको ऐसा चारों तरफ से तू पूरा ऐसा ज्वाइंट कर दे उसको गड्ढा कर करके, और बाद में मैं बताता हूँ इसके अंदर हमको लगाना क्या है। हाँ भाई करता हूँ। ठीक है मैं तब तक ये वेब लगा देता हूँ। तो चलो यार मेरा ये तो काम हो गया और डैश ने भी यहाँ पे अपना पूरा काम कर लिया। तो डैश एक मिनट भाई इधर आ, इसको पकड़, इसको डाल इसके अंदर। ठीक है भाई। भाई कूद के देख ले एक बार ये क्या है। पर डैमेज पहुंच रहा है बहुत बेकार तरीके से भाई, ये तो पानी था ना भाई, ये लावा जैसा डैमेज देता है। तो एक काम करते हैं वो देख, वो पगले क्रीपर को तो पता नहीं होगा कि ये क्या है, वो सोचेगा पानी है तो भाई वो नॉर्मल क्रॉस करने को देखेगा, लेकिन उतने में उसको थोड़ा बहुत तो डैमेज हो ही जाएगा भाई, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा उसको, लेकिन हमारी कुछ तो मदद हो ही जाएगी इसके वजह से। तो एक काम कर भाई वो साइड से पानी डाल ले, मैं ये साइड से डालता हूँ। तो भाई ये वाला काम भी हमने कर दिया है, और वो क्रीपर तो भाई मैं पक्का बता रहा हूँ इसके अंदर से ही जाएगा। तो डैश भाई ये काम कर, चल भाई मेरे साथ आ, एक बार देख के आते तो उसका साइज कुछ बड़ा क्या भाई। ठीक है चल देखते हैं, जल्दी चल जल्दी आ। तो आजा भाई जल्दी जल्दी मेरे पीछे आजा भाई, डैश इधर आ। हाँ इधर ही हूँ भाई, तू इस बार घुस। और एक भाई ये तो इसका साइज बड़ा हो गया भाई, इसका साइज बड़ा भाई, बड़ा क्रीपर बन चुका है भाई। अरे यार ये मतलब सच में बड़ा होने वाला है, और ये अगर म्यूटेंट बन गया ना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है, तो हमको और भी बहुत सारी चीज बनानी पड़ेगी। लेकिन भाई उससे पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे कैमरा लगा देते हैं, और भाई क्योंकि मतलब हमको पता भी रहना चाहिए ना कि इसका साइज कितना हुआ। तो एक काम कर अंदर में घुस के एक दो कैमरा लगा दे, और फिर बाहर में मैं एक दो लगा देता हूँ, तो तू जाके अंदर में लगा ले भाई। तो चल यार डैश मैंने कैमरा तो यहाँ पे ले लिया है, तो एक को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और भाई एक मिनट रुक, एक को ना भाई मैं अंदर घुस के यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको हटाओ, एक अंदर लगाया क्या, तू भी देखना मैं भी देखूंगा। ठीक है रुक, जिसको मैं कनेक्ट भी कर लेता हूँ अपने मॉनिटर से, और भाई एक मिनट बाहर जाके मुझे दूसरे वाले में कनेक्ट करना पड़ेगा, और अभी रुक जा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सच में काम कर रहा है कि नहीं। तो भाई पहला मॉनिटर हमारा अंदर है, तो भाई इसके अंदर मैं देख सकता हूँ, और ये देखो भाई क्रीपर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है भाई हमारा अंदर वाला तो काम कर रहा है, और एक मिनट में दूसरा वाला भी चेक कर लेता हूँ, तो दूसरा वाला। और भाई ये तो भाई तू क्या कर रहा है सामने यहाँ पे? भाई चेक करवा रहा हूँ मैं हूँ कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं सब कुछ। ठीक तो रहा है भाई, कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो चलो अच्छी बात है। चलो भाई एक काम करते हैं डैश, एक बात बता। क्या भाई? भाई मेयर किधर होगा भाई, तू जल्दी से मेयर को कॉल कर दे यार। कॉल किया था, बिजी आ रहा था नंबर भाई, मतलब वो इस बार वापस से हमको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट यार मुझे खुद उससे बात करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं यार भाई डैश, तेरे दिमाग में कोई आइडिया है क्या कि अभी हमको और क्या करना चाहिए अपने घर के आसपास? हाँ भाई एक आइडिया है ना, तो फिर मुझे लगता है आर्मर के लिए हमें एक रूम बनाना चाहिए, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर को। भाई जैसे ये क्रीपर बड़ा हुआ अगर, तो हमें आर्मर पहनना पड़ेगा ना, इसलिए। ये तो भाई तूने सही बोला, एक काम करते भाई जल्दी आ मेरे घर के पास। तो भाई डैश जल्दी आ, एक बात बता मुझे कि हमको यार इसको अंडरग्राउंड बनाना चाहिए छुपा के, एकदम ओपन में बनाना चाहिए वो आर्मर स्टैंड? मुझे लगता है हमें ओपन में बनाना चाहिए भाई। तो एक काम करते हैं रुक भाई, मैं यहाँ पे एनविल निकाल लेता हूँ। भाई एनविल मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया है, और तू आर्मर निकाल ले, और मैं तेको देता हूँ ब्लास्ट प्रोटेक्शन के कुछ बुक्स, और उसको हम लोग पहन के अगर खेलेंगे ना तो एक क्रीपर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भाई ये सारे ले ले तू, और भाई चारों चीजें मैं लगा दे, और उसके बाद भाई स्वॉर्ड एकदम नेदरराइट के रख देना। ठीक है तब तक मैं वो रूम बना देता हूँ अंदर जाके, तू इसको एन्चेंट। तो डैश यार मुझे ये वाली जगह तो बहुत ज्यादा सही लग रही है, तो हम लोग हमारा जो वो आर्मर वाला रूम बनाने वाले हैं ना, तो उसको मैं यहीं पे बनाऊंगा, और इसको भी भाई ऑब्सिडियन का बना देते हैं, क्या पता भाई वो यहाँ पे घुस के इसको फोड़ वोड़ ना डाले, तो उससे अच्छा भाई इसको मैं यहाँ पे बना ले। और भाई तू वो डिस्पेंसर उठा ले पूरे। तो चल भाई यहाँ पे हमारा रूम बन चुका है, तो भाई डिस्पेंसर लगा दे जल्दी। ठीक है ये तू एक काम कर, ये तू पकड़ डिस्पेंसर, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बाकी के डिस्पेंसर। ठीक है मैं अपना ये साइड में बना लेता हूँ, और भाई इसके अंदर आर्मर तुझे ही डालना है। हाँ हाँ मेरे पास आर्मर है, तू भी पकड़। अच्छा ये तो चलो भाई ये डिस्पेंसर के अंदर डैश ने डाल दिया पूरा आर्मर, तो भाई अब क्या करना है हमको आगे? अरे भाई मुझे क्या पता क्या करना है, लेकिन एक बात बताओ, मैंने मेयर को कॉल किया था, और भाई वो देख मेयर आ रहा है वहाँ से। भाई मेयर इतने जल्दी आ गया इस बार भाई, बहुत जल्दी आया, किधर से आ रहा है वैसे मुझे दिख भी नहीं रहा है वो। बस आ रहा है भाई वो, उसको इतना पैसे दिया हूं मैंने, जल्दी आएगा वो जरूर। भाई वहाँ पे देख यार हमारा वाला स्टैचू पड़ा है, उसके अंदर से क्रीपर ना आ जाए उससे पहले। अरे फ्लिक वो देख आ गया मेयर, मैंने कहा था ना उसको कॉल किया मैंने। अरे हाँ भाई आ गया है, और ये भाई कुछ तो लगाया इसने इस बार अपने प्लेन में। भाई इतना पैसा कमा लिया, शायद बूस्टर लगा के आया वो। हाँ यार बूस्टर है इसके पास। और भाई अरे ये क्या था भाई,
ये कैसे कर सकता है भाई ये बंदा? भाई प्लेन को फेंक दिया इसने, ये क्या था भाई? मेर भाई, भाई पानी में हटा देता हूँ यार कुछ भी। भाई प्लेन ही छोड़ दिया तूने, इतने ज्यादा पैसा है क्या तेरे पास? भाई मेयर बहुत ज्यादा अमीर दिख रहा है मुझे, भाई कोट भी नहीं खरीदा इसने। भाई रेमंड का कोट है ये, देख रहा है फ्लेक्सिंग फ्लेक्सिंग पैसे की। हाँ हाँ, पिछले बार का पैसा इसने नहीं दिया था, याद नहीं है क्या? अच्छा, अरे बाप रे, ये वो है भाई। तू अभी ये रख ले, काम कर भाई, इस बार तूने कुछ अच्छे बंदूक लाएगा तो भाई मुझे वो दे यार, ये सब नहीं चाहिए मुझे भी कुछ पैसा वैसा, हमको बस अपने घर बचाने से मतलब है। भाई ये मेयर ब्लैक मार्केट से पैसे लेके आता है, भाई ये मेयर ब्लैक मार्केट से बंदूक लेके आता है। भाई ये क्या दे दिया? ओ भाई ठीक, मार तो मेरे तरफ। अबे ये क्या किया? ये क्या था? अब तू कितना दूर जा रहा है? भाई मुझे एक पिस्तौल दिया इसने, बताओ। भाई तेरे लिए एक और छोड़ा उसने, वो ले ले। अच्छा ये तो खतरनाक है यार, वो देख कितना दूर जा रहा है ये। तो भाई अभी अभी मेरी बात हो चुकी है इस मेयर से, और ये मुझे बता रहा है कि ये हमारी इस बार मदद करने तो आया है लेकिन मजदूरी में भी हमारी मदद करेगा। मतलब यहाँ पे जो हमको अभी और डिफेंस एक्ट बनाना है ना, ये हमको और काम करेगा और भी नई नई चीजें भी ला के दे सकता है मुझे ये। तो भाई मेयर भाई कुछ है क्या तेरे पास अच्छी चीज? हाँ तो भाई क्या है वो चीज? एक मिनट भाई, डैश इधर आ, ये क्या है? ये भाई मुझे फैंस दिख रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक वाले फैंस है, फैंस गेट भी दिया है, तो मुझे लगता है हमें यहाँ पर लगाना चाहिए उसको आगे में। यहाँ पे तो लगाना चाहिए भाई, तू भी काम करना चालू कर दे। तो मेयर भाई इधर साइड से लगाना चालू कर दे तू, और डैश हम दोनों यहाँ से लगा देते हैं। हाँ ठीक है भाई। ओ भाई ये क्या किया इसने? ये कौन सी मशीन है? अरे यार इसने मशीन लेके आ गया, एक मिनट में इसमें बैठ के देखता हूँ। अरे भाई इसमें कैसे बैठ सकता हूँ मैं? एक और लगा दिया, दो मशीन लगा दिया इसने। भाई ये वाली मशीन कितनी खतरनाक है, एक मिनट में इसमें बैठ के देखता हूँ। और भाई इससे हम लोग भाग सकते एकदम तेजी से। भाई एस्केप प्लान बहुत अच्छा है ये वाला हमारा। भाई तू भी बैठ गया ना? क्या मशीन है भाई, कितने हाइट में आ गए हम लोग। भाई ये देख के तो क्रीपर ना घबरा जाएगा, और भाई इसने अपने लिए भी निकाल लिया है तो बहुत सही चीज है। भाई एक काम कर, इधर आ, इसको पीछे में रख के अभी छोड़ देते हैं यहीं पे, और भाई हम लोग अपना काम कंटिन्यू रखते हैं यार सबसे पहले। तो और क्या, तो डैश अभी जो हमारा घर है ना वो बहुत ज्यादा सेफ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज की कमी है। तो एक काम कर, ये ले, ये पकड़ सेंट्री, और ये उसको उठा जल्दी पहले। हाँ, और इसको ना ये जो सेंट्री है इसको यहाँ पे हर जगह लगा दे, और इसको हम लोग बाद में आखिरी में एक्टिवेट कर देंगे, तो ये भी हमको बाद में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है उसको मारने के लिए। तो मेयर भाई काम चालू कर दे, और डैश भाई तू कहाँ है? तू इधर आ। चल भाई चल, क्या करना है बता। मैं अब नहीं बता सकता यार, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि अब क्या करना है। तेरे दिमाग में कुछ है क्या कि हमको क्या करना चाहिए? और तुझे याद है ना हमारे पास सबसे खतरनाक माइन भी रखे हुए? अरे हाँ भाई, एक काम करते हैं, इस बार हमारे पास दो टाइप के माइन है, वो भी अलग अलग, और तो वो दोनों टाइप के माइन को हम लोग लगा देते हैं आगे जाके एकदम पास में। तो भाई इधर आ जा। तो डैश यार यहाँ पे शाम होने वाली है, तो सबसे पहले मैं ये एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर जल्दी से इधर जाके एक दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कमांड डालना है ये वाला, और फिर दबाना होगा एंटर। तो भाई ये पूरा एरिया जो है वो बन जाएगा ऑब्सीडियन का। वैसे मैंने कुछ ज्यादा एरिया सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अच्छा है, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और भाई ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है, डैश एक काम कर, यहाँ पे तू माइन उठा ले और हम लोग यहाँ पे उसको लगा देते हैं। ठीक है जल्दी से लगा दे। तो डैश इस बार का जो हमारे पास माइन है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो एक मिनट इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। और भाई ये दिखने में बहुत ज्यादा गजब है, तू इसके ऊपर एक बार चढ़ के दिखा मुझे। और ये भाई ये कौन सा माइन है भाई, इतना बड़ा माइन होता है क्या? ये इस तरीके से लॉन्च होगा और फिर उसके बाद वो फूटेगा, उसका तो भाई बचने का ना इस बार सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाई हवा में जाके फूट रहा है, मतलब यार सर को भी डैमेज करेगा। वही तो, एक काम करता हूँ, बहुत सही भाई मेयर, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू। यहाँ पे पानी डाल दे और फिर मैं यहाँ पे इसको एकदम रैंडम लगा देता हूँ। तुम लोग भाई अभी दूरी रहना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही फूट जाएगा। तो डैश मैंने इतने सारे माइन तो लगा दिए, वो भी एकदम नए टाइप के, तो भाई इतने तो काफी होंगे ना? भाई बहुत ज्यादा है ये, इतने में तो चिथड़े उड़ जाएंगे भाई उसके। हाँ भाई ये तो तूने सही बोला, तो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। भाई जल्दी पीछे आ, एक मिनट भाई ये क्या है? वो भाई लॉन्चर मार रहा है, वो पागल हो गया मेयर, क्या कर रहा है? स्पेस में भेज दिया उसने लॉन्चर। अरे भाई वो रॉकेट से उड़ चुका है, तुझे दिखा नहीं क्या? अरे रॉकेट से उड़ के चला गया क्या भाई? ये मेयर क्या पागलबंदी करता है। एक काम कर भाई, उसको भी जान दे, वो तो आएगा ही हमारे साथ लड़ने के लिए आखिरी में। तो भाई इधर आ, इधर ही हो। तो देख अभी हम लोग को ना भाई यहाँ पे बनाना होगा दो टावर, वो भी ऑब्सीडियन के बनाने होंगे, तो तू भाई यहाँ पे काम चालू कर दे। सबसे पहले हम लोग एक टावर बना देते हैं, और फिर उसके बाद मैं जाके उधर दूसरा टावर भी बना दूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे पूरे लेजर्स को। और फिर ये देख मेयर ने तो यहाँ पे हमारा तीन ही एक्टिवेट किया है इसने अभी तक, ये सेंट्री को, और भाई इतने और एक्टिवेट होना बाकी है, उसको तो चलो हम लोग बाद में कर देंगे। तो चल भाई डैश हम लोग ये वाला काम चालू करते हैं। तो चलो भाई हमारा ये जो टावर है वो तो बन गया है। तो डैश भाई तू किधर है? एक भाई इधर फाइट चालू है भाई, मैटर हो गया इधर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अबे भाई टॉप से फैल रहा है तो इसको म्यूटेंट, ये कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता, ये आया था मेयर को बचाने आया था, मेरे ऊपर ही हमला कर दिया इसने। भाई तुम दोनों क्या कर रहे हो ये सब? अरे यार हमारे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं, इसको छोड़ो। ये क्या उसको बचाने आया था क्या क्रीपर को? मेरे ख्याल से उसका भतीजा लगता है ये। चाहे उसका भतीजा, अरे भाई ये क्या कर रहा है तेरे साथ? अरे मेयर भाई मार इसको, ये क्या था? मुझे भी नहीं पता। अरे भाई जल्दी आओ, हम लोग को काम करना है। ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? ये छोड़ो, अब मैं बताता हूँ इधर हमको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एनविल को, और फिर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अपनी बो को, और उसके बाद इसमें लगा देते हैं इन्फिनिटी।
और अब ये बहुत ज्यादा खास हो चुकी है, तो हमको यहाँ पे लगाना होगा दो डिस्पेंसर और इसके सामने में लगा देते हैं दो प्रेशर प्लेट और फिर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक में बो और एक में हमारा एरो। बस ये हमारा काम बहुत सही हो गया है। तो जैसे हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर आएंगे तो हमको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे पैर रखने के बाद मिल जाएगा वो बो एंड एरो और फिर हम लोग इसको यहीं से ऊपर से मार सकते हैं बहुत देर तक। तो भाई डैश किधर है तू, जल्दी आ। हाँ यार यो। अरे भाई ये बहुत अच्छा काम किया तूने यहाँ पे घास फूस उगा के। तो जल्दी से ऐसा ही सेम टावर यहाँ पे बना देते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सही हो चुका है ये और भाई डैश यहाँ पे फूल पत्ती उगा रहा है। तो भाई तब तक मैं यहाँ पे अपना काम चालू कर देता हूँ लेजर वाला। तो हम लोग भाई इसको इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे बस रात होने वाली है तो डैश एक काम कर तू जल्दी से यार एक बार चेक कर ले वो कैमरा में। ठीक है मैं चेक करता हूँ। तो चल डैश भाई रात हो चुकी है और हमारा काम भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो एक मिनट भाई मेयर को तू जल्दी से कॉल करके बुला ले, तब तक मैं मॉनिटर में देख लेता हूँ कि वो कहाँ है। और भाई एक मिनट ये क्या है भाई, यहाँ का दरवाजा खुला हुआ है डैश, वही स्टैचू के अंदर वाला। अरे हाँ भाई दरवाजा खुला हुआ है भाई, वो आ चुका है, जल्दी आ। एक मिनट मैं पहले कैमरा में देखता हूँ भाई, इधर तो कहीं नहीं दिख रहा है ये। अभी डैश तो ये इधर है भाई पहले वाले मॉनिटर में। हाँ दिख रहा है मुझे भी, मेरे पास मॉनिटर है भाई। ये बाहर आ गया है और वो देख माइन की तरफ बढ़ रहा है। एक मिनट मैं आता हूँ इधर वापस से। तो भाई चल डैश पीछे आप, भाई इधर आ जल्दी आ, जल्दी आना पहले। तो ठीक है भाई मैं इधर पहुंच गया और यहाँ पे हमारे पास खाने के लिए कुछ है। और एक मिनट जल्दी से ऊपर जाता हूँ मैं। डैश भाई तूने पहन लिया क्या आर्मर? मैं ऊपर आ चुका हूँ, मैं पहनने आया था आर्मर। तो भाई यहाँ पे मैंने पूरा आर्मर ले लिया है। तो जल्दी से भाई ये बाजूका लेके सीधा चलता हूँ मारने। भाई तू भी पहन ले और जल्दी आ। पहन लिया मैंने भी। चलो चलो आ जाओ डैश भाई मेरे पीछे जल्दी। भाई उसके चार पांच पैर है भाई, मैंने बोला था पहले मार देते उसको। इसको मैं इससे मारता हूँ भाई, उसको डैमेज बहुत ज्यादा तगड़ा हुआ है। और एक मैं मार रहा हूँ, हट जाओ से। मार देख के भाई मैं ना मर जाऊं। और भाई ये मेरे पीछे आना चालू हुआ, रुक जा इसको मैं माइन के पास ले जाता हूं। भाई माइन के पास ला लेता हूं इसको। ओहो भाई ये क्या कर रहा है, ये तो कूद के आ रहा है। ये रीलोड करने दे मुझे बाजूका को। ठीक है भाई उसके छोटे छोटे बच्चे देख यार, भाई छोटे बच्चों को मारो सबसे पहले। और एक मिनट कहाँ घुस गया भाई पगला, मेरे पीछे है इसको, रुक जा माइन पे कूदा दू बस एक बार। माइन पर लेके बच्चे मरे, बच्चे फूट गए यार। बहुत सही, लेकिन यार उसको कुछ नहीं हुआ। मैंने छोटे वाले को मार रहा हूँ भाई बहुत बुरी तरीके से। भाई उसको तो मैं बिना रुके बस इसी से मार रहा हूँ, लेकिन वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये फ्लिक लेके आता हूँ तो भाई छोटा वाला फटता है भाई, ये देख। अरे भाई इतना बड़ा ब्लास्ट था क्या इसका? अबे ये क्या है भाई, तुझे उठा के फेंक दिया उसने एकदम कूद के। भाई इसको बुलाया इसको भाई, ये माइन के ऊपर लेके आया एक बार, फिर पता चलेगा इसको क्या है। भाई आया ये, भाई मार इसको। बहुत सही आया, अब आया आया भाई, आओ अब मरेगा ये पक्का है। अब अरे भाई नहीं मर रहा है, इसके ऊपर से कूद गया ये हिसाब से। भाई तू इधर आ डैश, इधर आ डैश, तुझे मेरे पीछे पड़ा इसको बताता हूँ मैं। अरे यार ये छोटे वाले, अब वो मरेगा, अब वो कूदा उसके ऊपर। भाई माइंड तो फूट ही नहीं रहा इसके ऊपर, भाई लगता माइंड भी इसको कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा, इसको मैंने कितना बाजूका मार दिया। भागो एक काम करो, इसको हमको वहां लेके आना पड़ेगा, जल्दी चलो। हाँ मुझे वही लगता है, जल्दी आ भाई। भाई इसने रीजनरेट कर लिया, रीजनरेट किया, दिल निकले उसके। अरे तेरे ऊपर छोटे वाले बच्चे फेंका उसने भाई, क्या है ये भाई, कितने स्पीड है वो लोग भाई, इनको तो मैं इसी से मारता हूँ, रुक जा। अरे शिट ये क्या है, अरे भाई अपने भाई को ही मार दिया उसने तो। अरे डैश भाई ये इधर तक पहुंच गया है, एक मिनट भाई उसने पानी, अब देखना इसको डैमेज होगा। भाई कितने सारे बच्चे कर दिया भाई, मैं जा रहा हूँ इसके ऊपर, मार उसको। आजा आजा मैं मार रहा हूँ बच्चों को, अब देख क्या होता है। मैं उठा लेता हूँ ये। अरे यार ये तूने उठा लिया क्या? नहीं मैंने नहीं उठाया। अरे यार तो कहाँ गया वो, मेयर लेके चले गया शायद। अरे भाई तूने मुझे गिरा दिया, शिट रुक जा। मैंने नहीं गिरा तुझे, किसी और ने मारा तुझे भाई। एक मशीन फूट गई, एक मशीन फूट गई भाई गलती से मेरे से। मारो इसको, सेंट्री मार रहे हैं अभी, इसको अंदर लेके आता हूं फिर मालूम चलेगा इसको। भाई हर बार एक बार मुझे रीलोड करना पड़ रहा है यार। ओ ये क्या किया इसने मेरे साथ, रुक जा गोल्डन एप्पल खाता हूँ और इसको, रुक जा मैं शॉट से निपटाने की कोशिश करता हूँ। अरे यार तो ये मरा नहीं अभी भी, लेकिन इसको डैमेज हो रहा है भाई, इसको मारते रहे अब ये मर ही जाएगा यहाँ पे। अब इसको भाई लावा वाला पानी है, लावा का पानी है, डैमेज होगा उसको। ठीक है यार मैं ना मर जाऊँ यार, मुझे निकालो। अरे यार मैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, शिट मैं पानी के अंदर हूँ, जल्दी भाग। मैं कैसे निकलूँ वहाँ से, इस तरफ आ। मैं गोल्डन एप्पल खा रहा हूँ बिना रुके, ये क्या हो रहा है, शिट ओ ये मर गया। अरे फ्लिक कहाँ पर है तू? मैं भाई अपना घर बना रहा था, मैं तू कहाँ है? नहीं नहीं देख पा रहा हूँ मैं तुझे, बहुत देर से देख रहा था। एक बात बता मुझे, मैं बहुत सारी चीजें लेके आया, पहले ये देख ले तू यार, इतनी सारी चीजें माइन करके लेके आया हूँ मैं, ये ले पकड़ सब कुछ ले ले। अबे ये क्या ला लिया तूने भाई, नेदरराइट का हैमर और क्या, ये भी एक और चीज लेके आया हूँ मैं देख। अबे ये क्या, अच्छा हम लोग खेती भी कर सकते हैं इससे मतलब, और क्या। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अभी चुपचाप सुन मेरी बात। क्या वो भाई बता, जब मैं गया था ना माइनिंग करने के लिए, तो मुझे स्टीव का भाई दिखा था, जिस स्टीव को हमने पिछले वीडियो में निपटाए थे ना, उसका भाई जैसा कोई था, वो भाई बोल रहा है हमसे बदला लेगा और हमारे घर की तरफ आ रहा है। भाई मेरे पास तो टाटा नैनो थी, जिसमें भाई बहुत खतरनाक इंजन लगा हुआ है, पूरा बुकाटी का इंजन लगा हुआ है, तो भाई मैं तेज भगा के आ चुका था। अबे यार ये तो तू बहुत ज्यादा खतरनाक बात बता रहा है भाई, वो उस चीफ को हमने कितना मुश्किल से मारा था, वैसे हमने उसको मारा नहीं था यार, याद नहीं है कि हमारे वो पूरा घर फूटा था उसके साथ? और क्या याद है, सब कुछ याद है मुझे, पर वो मरा था ना, तो उसका बदला लेने के लिए हमारे पास आ रहा है वो स्टीव का भाई। अबे यार इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे वापस से एक डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, और अगर तुम लोग को नहीं पता कि भाई मैं किस चीफ की बात कर रहा हूँ, तो तुम लोग को जाके सबसे पहले ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा और उसके बाद तुम लोग ये वाला वीडियो देख सकते हो। वैसे अब यहाँ पे क्लिक कर दिए तो इसी को देखना। तो डैश यार ये वाले घर को हमको कैसे भी करके बचाना होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया ये, और ये देख हमारा झूमर भाई
कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा भाई यार। अरे ये कौन सी बात है भाई, यहाँ पे तुझे भी तो रहना है। मुझे रहना मुझे पता है, मैं तो बोलता हूँ घर को छोड़ के निकलते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें लेकर आया भाई, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा क्योंकि वो स्टीव पागल हो चुका है, खासकर वो तेरे को मारना चाहता है। नहीं यार भाई यार, मैं ये वाला घर जो है ना इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम लोग वापस से अपना डिफेंस बेस बना लेते हैं यहाँ पे, और इस बार तो सीधा बेडरॉक का बनाते हैं। चला जा। हाँ ठीक ठीक। अरे डैश इधर यार, क्या कर रहा है तू? बस यार देख रहा हूँ घर को कैसे बचाना है। ये ले ले जल्दी पकड़ और यहाँ पे काम चालू कर। सबसे पहले वॉल बना ले, और इस बार भी हमको चार लाइन वाली वॉल बनानी है। यार एक काम करते हैं, सिंगल वॉल बनाते हैं हम लोग, सिंगल लेयर वाला वॉल, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस बंदे में इतना दम है, और वो बेडरॉक थोड़ी तोड़ सकता है वो। अच्छा हाँ यार, एक काम करते हैं यार, जल्दी से यही वाले स्टिक से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जल्दी से कमांड डाल के इसको कर लेते हैं, क्योंकि यार हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और वो कभी भी आ सकता है भाई। इस बार उसका कोई टाइम नहीं है ना ऐसा कि भाई वो रात को आएगा कि अभी आएगा। वो क्या मुझे बता के आएगा क्या? मुझे क्या पता कब आएगा। ये तो बात तूने सही बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी काम करते हैं। हाइट तो इसकी 10 ब्लॉक की रहेगी, लेकिन थोड़ा दम ज्यादा इस बार हमारे पास। और भाई अंदर क्या लगाना है उसके बारे में तूने कुछ सोचा? सब कुछ सोच के रखा हूं मैं, तू बताएगा क्या होना है। तो डैश यार ये वॉल हमने बहुत जल्दी से बना लिया है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे एंट्रेंस बना लेता हूँ। और एक काम कर यार डैश, सुन कहाँ है तू? इधर ही बाजू में। भाई एक काम कर, गोल्डन एप्पल को अभी छोड़, ये जो जगह है ना यहाँ से पूरी घास हटा दे। उसके बाद हमको अंदर भी डिफेंस बनाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि यार अंदर ज्यादा जगह छोड़ा है हमने। तो सबसे पहले मैं यहाँ वॉल में भी डिफेंस लगा देता हूँ, और बाहर भी इस बार हम लोग डिफेंस बनाएंगे बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि यार वो इतना आसान तो नहीं होगा ना यार मारना उसके भाई को। मुझे क्या बता भाई, वो है खतरनाक, जल्दी काम चालू कर। तो डैश इधर आ जा यार, तूने बहुत जल्दी काम कर लिया यहाँ का, लेकिन तूने ये सब कचरा उठाया नहीं। ठीक है यार ये तो डिस्पॉन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ऐसा 2 ब्लॉक का गड्ढा खोदना पड़ेगा सामने के साइड में, और यहाँ पे डालना होगा हमारा फेक वाला वाटर, जो कि उसको थोड़ा बहुत डैमेज देगा और उसकी स्पीड भी कम करेगा। तो वो सामने से ही आने वाला है ना डैश? हो सकता है सामने से, क्या पता बाजू से आ जाए, तो हम मुझे लगता है इस साइड से भी आ सकता है वो। अच्छा इस साइड से। अच्छा हाँ, तू वैसे भी यार इस साइड से भाग के आया था इस बार? नहीं नहीं इस साइड से नहीं, उस साइड से भी आया था, लेकिन मुझे लगता है इस साइड से आने वाला है वो। ठीक है तो भाई ये साइड बना लेते हैं हम लोग। भाई अगर वो आ गया तो हम लोग को पहले से पूरा एकदम तैयार रहना पड़ेगा, तो ये साइड में भी खोद दे भाई इस बार। ठीक है ठीक है, मैं खोद रहा हूँ, तो पानी डाल पूरा। तो यहाँ पे डैश ने बहुत जल्दी से पूरा गड्ढा कर दिया है, तो मैं यहाँ पे भाई फेक वाटर डाल देता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया भाई, हमको डैमेज कर गए तो। अच्छा ठीक है, और इसके बाद यार हमको क्या करना चाहिए डैश, कुछ पता है तुझे? ये तो मैंने बताया, अब तू बता क्या करना है। अच्छा इसके बाद चल यार हम लोग गोलम स्पॉन कर देते हैं अंदर। अभी एंट्रेंस का मुझे बाद में सोचना पड़ेगा कि इधर क्या करना है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे अंदर में गोलम स्पॉन कर देते हैं। और वापस से भाई सबसे पहले तू फेंस उठा ले, यहाँ पे हम लोग फेंस लगाएंगे, फिर उसके अंदर गोलम डालेंगे। ये कचरा तो उठा, तू कचरा वाला वैसे भी। अरे कचरा वाला तू है, ये सब बातें छोड़, काम चालू कर। तू वो साइड में बना ले यार जल्दी। बन चुका है इस साइड। ठीक है तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ आयरन। तो ठीक है यार मैंने आयरन तो उठा लिया है। भाई किधर है डैश, क्या कर रहा है तू? अभी ये क्या बना दिया तूने? डरना चाहिए ना वो झंडुआम। अच्छा ये तूने सही बोला। ठीक है तो एक काम करते हैं, वो हेड उधर मत लगा, इधर लगा। एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्पॉन करते हैं जल्दी से। यहाँ पे 3 हो गए, तो दोनों साइड में हम लोग 4-4 करेंगे। रुक जा यार, ये एक और लगा के जा। और जैसे ही वो आएगा ना डैश, तो ये साइड वाला मैं तोड़ दूंगा और ये साइड वाला तू तोड़ देना। ठीक है याद से। हाँ पिछली बार भी यही तो किए थे हमने। हाँ और पिछले बार इन लोगों ने हमारी मदद भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किए थे। तो जल्दी जल्दी काम कर यार, तू जल्दी लगाएगा तो मुझसे हो जाएगा जल्दी। चलो यार हमारा ये वाला काम तो हो गया। और डैश यार अब तू बता हमको क्या करना चाहिए आगे। यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हमको लावा डालना चाहिए। अच्छा जैसा पिछले बार हमने डाला था। हाँ वो हर बार की तरह, लेकिन यार एक प्रॉब्लम आएगी ना उसमें तो। अरे हाँ यार यहाँ पे तो हमने पानी डाल दिया है, तो लावा कहाँ पे आएगा? लावा मुझे लगता है यार हमें आगे से वॉल बनाना चाहिए, उसमें लावा डालना चाहिए। मतलब ये काम करते हैं भाई, ये बेडरॉक का ना एक और वॉल इस तरीके से यहाँ पे बना देते हैं। तो एक काम कर तू कॉर्नर से पूरा मार्क कर दे, और मैं वापस अपनी ये छड़ी को यूज कर लेता हूँ। जल्दी से कर भाई। ठीक है थोड़ा बड़ा वॉल बना। अच्छा पिछले वाले से भी बड़ा। ठीक है चल इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। और ये कमांड और ये हो गया भाई। ठीक है तू एक काम कर, पीछे का तू बना दे और यहाँ पे मैं एंट्रेंस बना लेता हूँ अच्छे से, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लावा डाल देंगे एकदम जैसे हमने पिछले बार डाला था, वो बहुत ज्यादा सही था वैसे। तो चलो यार हमने ये पूरा एरिया बना दिया है। और भाई अभी ये क्या कर दिया तूने भाई? क्या किया मैंने? ये घर के ऊपर इतना बड़ा टावर क्या ले गया तू? भाई वो खुद ही ग्रो हो रहा है, मैंने थोड़ी किया, मैं तो यहाँ पर बिल्ड बना रहा था। जाने दो, देखते हैं भाई वो कितना ऊपर जाता है। तो तू जल्दी से अपना यहाँ पे लावा डाल दे, और मैं यहाँ पे जल्दी से सीढ़ी लगा देता हूँ दोनों साइड में, क्योंकि यार हमको इसके ऊपर जाके भी उससे लड़ना पड़ेगा ना, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। और क्या और क्या, एक काम करना इधर पहले मैं मार्किंग कर रहा हूँ, तू लावा डाल यहाँ पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक लाजवाब वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है www.lotus365.com, जहां आप अपने क्रिकेट नॉलेज यूज करके एक अच्छा इनकम जीत सकते हो। आपको यहां बताना होता है कि क्रिकेट में कौन अच्छा खेलेगा, और यहां पे 200 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हो, मतलब गोवा का मजा इनके साइट पे। इसमें से मैं जो खेलता हूं वो है क्रिकेट। बस अपने नॉलेज से मुझे बताना होता है कि कौन सी टीम अच्छा खेलेगा। लोटस 365 एक ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेरा, कृति खारबंदा और काजल अग्रवाल। और इनके इंस्टाग्राम @lotus365world पे जाके फॉलो करो, और देखो कितने सेलिब्रिटीज इनका प्रमोशन करते हैं, देख के हैरान हो जाओगे। सबसे अच्छी चीज, आपका विड्रॉल यहाँ 20 मिनट्स के अंदर हो जाएगा, चाहे दिन हो या रात।
अभी अकाउंट ओपन करने पे मिलेगा 365 रुपीज का बोनस और पहले डिपॉजिट पे मिलेगा 5000 रुपीज का बोनस। अभी रजिस्टर करो www.lotus365.com, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। हाँ भाई, अच्छा इसके बीच में लावा डाल दूं? तो भाई तू नीचे का भी कर दे। हाँ मैं करता हूँ, लावा डालना चालू कर। ठीक है, तो मैंने लावा उठा लिया है और यहाँ पे मैं डालना चालू कर दिया हूँ, भाई जल्दी कर। अरे काम हो चुका है, डर कितना तुझे यार डैश, अब ये कितना ज्यादा गजब दिख रहा है। वैसे हर बार ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब एक काम करता हूँ भाई, अंदर में हम लोग सेंट्री लगा देते हैं और फिर चलते हैं हमारे बंकर में जो कि मैंने पहले बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। तो जल्दी से काम करते हैं, यहाँ पे सेंट्री लगा लेते हैं हम लोग। तो ठीक है डैश, यार मैंने ये पूरा उठा लिया सेंट्रीज और उसका रिमोट, जिसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और एक काम कर भाई, तू बाहर में जा और ऑब्सीडियन का एक वॉल बना दे नीचे की तरफ, जहाँ पे मैं माइंस लगाऊंगा वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाले, तो जल्दी से जा उधर लगा दे। ऑब्सीडियन का वॉल क्या होता है, वो भी नीचे की तरफ में, ये कैसे लगाऊंगा? अरे मतलब वॉल नहीं यार, टाइल सामान लगा दे नीचे में ऑब्सीडियन का या तो बेडरॉक का। अच्छा अच्छा, तो बेस बोलना चाहता था, ठीक है लगा देता हूँ। जा जा भाई जल्दी से लगा दे, मैं इधर तब तक सेंट्रीज लगा लेता हूँ थोड़े बहुत। यहाँ पे मैं एक एक के गैप में जल्दी से सेंट्रीज लगा देता हूँ और ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी आगे की तरफ में। और फिर इसको मैं जल्दी से हमारे रिमोट से भी कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा एग्रेसिव वाले मोड में, और उसके बाद इसको चेंज करना पड़ेगा जो कि रहेगा सिर्फ हॉस्टाइल मॉब को मारेगा। तो ठीक है, इतना हमारा काम हो चुका है। तो यार डैश तूने कर दिया क्या? अरे बहुत पहले हो चुका है मेरा, वीडियो बनने से पहले कर चुका था मैं सब। हाँ भाई ठीक है, चल कोई बात नहीं, एक काम करो, इसने तो एक काम कर दिया है, तब तक तू यार कोई और काम कर दे। और अभी ये क्या हो गया भाई, ये टावर को क्या हुआ? अरे वो खुद ग्रो होता जा रहा है, लगता है वो टॉप तक पहुंचेगा, तब तक वो आने वाला है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या, टॉप क्या है लेकिन? मुझे क्या था? अरे भाई कुछ भी बोलता है, पता नहीं क्या हुआ। तो एक मिनट यार, यहाँ के लिए मैं माइंस निकाल लेता हूँ वाले। तो ठीक है यार, मैंने ये वाले माइन उठा लिए और इसको मैं एक एक करके यहाँ पे लगा देता हूँ। और भाई वो शायद वो वाले साइड से भी आएगा, तो इसको मैं एक दो वहां पे भी लगा देता हूँ एकदम ओपन में ही। इधर हमको कोई जरूरत नहीं ऑक्सीडेंट का बनाने के लिए। और डैश भाई तू किधर है? ये इधर बाजू में ही हूँ। रुक जा भाई, चला तुझे मैं बंकर दिखाता हूँ मेरा वाला, जल्दी आ। अरे मैं देख चुका हूँ तेरे बंकर के नीचे, मैंने एक बंकर बनाया हूँ। अरे ये कब बनाया तूने? ठीक है यार मेरा देखने आजा पहले, फिर इधर। अबे ये क्या कर रहा है इस चीव? भाई मुझे लगता है संदेश देना है हमें। अरे कहाँ गया वो? अब उससे बात कर। मार रहे, अबे उसको उड़ा उड़ा के मारे, जल्दी आ। अरे उससे बात कर पहले। अरे यार वो पगला तो मर गया भाई, तुझे कुछ सुनाई दिया उसने क्या बोलने आया था वो हमको? अरे वो बोल रहा था पूरी गैंग लेकर आ रहा है अपने साथ। कौन वो बड़ा वाला स्टीव? और कौन यार, मतलब यार हमको थोड़ा बहुत और डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो चल यार उससे पहले अंदर चलते हैं भाई, मैं तुझे दिखाता हूँ हमारा बंकर। इधर आजा भाई, यहाँ से हमको नीचे जाना है पानी के थ्रू। जल्दी आ जल्दी आ भाई मेरे साथ। और मेयर को भाई कॉल करते, इस बार मेयर नहीं आने वाला ना शायद? मेयर शायद भाई अंतिम संस्कार कर रहा है किसी का। अरे भाई चल मैं आ गया इधर। और भाई ये जगह देख ले मेरी कैसी है। अरे कहाँ तक है तू? देख चुका हूँ ये चीज, मैं पहले देख चुका हूँ। तो भाई ये चेस्ट के अंदर सारी काम की चीजें मैंने रखा है, जैसे कि ग्रेनेड व्रेनेड हो गए, इसको तो मैं अभी उठा लेता हूँ एक दो स्टैक, क्या पता भाई बाद में काम आ जाए। ऊपर में और भी वो फालतू वाले चीज आ सकते हैं। और ये बुलेट जब हमको काम पड़ेगा तब हम लोग ये लोग ले लेंगे। और भाई यहाँ पे तो एप्पल है बहुत सारे, और बंदूक की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। और भाई यहाँ पे मैं बंदूक बनाना सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो ठीक है अटैच, ये जब भी हमको जरूरत पड़ा तो हम लोग यहाँ पे आके इसको ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से ऊपर चले, हमको एक दो डिफेंस है और बना लेना चाहिए। तो डैश अब हम लोग यहाँ पे एक आखिरी चीज बनाने वाले हैं। और भाई ये टावर तो और बड़ा हो गया, मुझे लगता है अब समय आ चुका है भाई, बस 5 मिनट के अंदर रात होने वाली है। ठीक है यार, तो एक काम करते हैं, मैं तुझे बताता हूँ इसको क्या लगाना है। हमको देख यहाँ पे जल्दी से लगाना पड़ेगा गड्ढा करके ऐसे दो हनी के ब्लॉक, और उसके बाद यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ लगाने का कॉब वेब, और उसके बाद दो मैग्मा ब्लॉक यहाँ पे लगाएंगे, और दो बार और गड्ढा करने के बाद यहाँ पे हम लावा डालेंगे। पूरा एकदम भयानक तरीके का पैटर्न बना देंगे, और यहाँ पे उसको डैमेज भी होगा और उसकी स्पीड भी स्लो होगी। सही है ना? क्या बात है भाई, लेकिन जल्दी काम कर, सिर्फ 9 मिनट में रात होने वाली है। ठीक है भाई जल्दी खोद, ये तो हमने पूरा लगा दिया है, और हमारे भागने के लिए भी तो भाई इधर जगह बनानी पड़ेगी ना। तो इधर बीच में मैं एक ब्लॉक खोद देता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको लगा देंगे भागने का। और अगर हम लोग थोड़ा इधर उधर हुए तो भाई ये चीज हमारे ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। तो ठीक है यार, सारा काम हो चुका और शाम भी हो गई है, इसका मतलब वो आने वाला होगा। मुझे लगता है अब टाइम नहीं बचा है हमारे पास में, बस हमारे पास में 9.5 सेकंड बचे, फिर कुछ कर अब। ठीक है भाई, अब हम लोग बस उसका वेट कर सकते हैं। तुझे कोई आवाज आ रही है लावा की? लावा की आवाज? हाँ ये है ना लावा। अरे अबे पागल है क्या, ऊपर देख वो क्या हो रहा है। अबे ये क्या हो रहा है भाई, अपना घर गया लगता है मुझे। अबे मतलब वो आने वाला होगा भाई, जल्दी चल अंदर, हमको हमारी चीजें उठा लेनी चाहिए बंकर में। आर्मर ऊपर रखे हुए, मैंने बताया नहीं था तुझे। आर्मर तूने ऊपर रखा है? और क्या। ठीक है भाई उधर भी चले जाएंगे, सबसे पहले हम लोग बंदूक उठा लेते हैं पूरे। मेरे पास तो है, तू जल्दी उठाकर। यार मैं पहुंच गया इधर, और एक मिनट यार जल्दी से बंदूक उठा लेता हूँ भाई। इस बार मैं ये उठा लेता हूँ ग्रेनेड लॉन्चर, और उसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे ग्रेनेड उठा लेता हूँ। और फिर भाई ये तो हमारी फेवरेट बंदूक है, इसको भी रख लेंगे। और भाई और क्या अच्छा है इधर, ये भी ले लेते हैं। चलो असॉल्ट राइफल, ठीक है यार एक एक करके मैं सारे बंदूक की गोली भी उठा लेता हूँ। चलो भाई मैं तो रेडी हो गया। क्या कर रहा है डैश तू भाई, किधर है? बस बस मैं पूरा आम हो चुका हूँ, चल अब मेरे पीछे बताता उसको। चल जल्दी चल, आर्मर भी पहनना होगा हमको। आर्मर किधर रखा है तूने? ये बाजू में ऊपर। अरे यार मैं तो ऊपर ही नहीं
मारू इतने भारी बंदूक से? ओ भाई अब मैं बहुत पावर में। ठीक है भाई मैं पहुंच गया ऊपर। कहाँ है? जल्दी मेरे पीछे जल्दी। आ गया मैं आ गया, बता किधर जाना है? ऊपर आ, एकदम ऊपर आना है। जा भाई वो आ जाएगा यार, लेट मत कर। अबे भाई नेदरराइट का आर्मर कहाँ से ला लिया तूने? चोर बाजार से। अरे बहुत सही यार, ठीक है कहीं का भी हो हम तो पहनेंगे इसको। भाई सब मिल गया मुझे। भाई अब देखो यार मैं कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा हूँ। ठीक है यार डैश जल्दी बाहर आ, उसको मारते हैं। अब एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी ले लेते हैं हम लोग। और इस बार मेयर आया नहीं भाई हमको बचाने के लिए। जल्दी चल, मुझे तो ब्लास्ट की आवाज आ रही है। जल्दी आ। अबे भाई मुझे तो इसका नाम दिखा रहा है, जल्दी ऊपर आ। और क्या, मुझे भी नाम दिखा रहा है, ऊपर आ जल्दी। अबे यार ये किधर आ गए हम लोग? वो देख वो पागल खड़ा है वहां पर, इतना बड़ा। भाई वो तो उधर है, ये कैसे फुट गया? भाई लगता है उसने अपने मिनियंस को भेजा होगा, चेलो को अपने। भाई वो देखो मार रहा है किसी को, ज़ॉम्बी को भी मार रहा है वो तो। पागल हो गया भाई, इतना बड़ा स्टीव किसी को भी नहीं छोड़ने वाला लगता, वो भी पिंक कलर के कपड़ों में। अरे यार यहाँ के जो मैंने माइंस लगाया था ये भी सब फुट चुके हैं यार, हमको नीचे जाके इससे बात करना पड़ेगा। जल्दी चल। अबे ये तो आ गया इधर, इसने सब फोड़ भी दिया। मार मार यार तू कर क्या रहा है? मैं ट्राई कर रहा हूँ मारने की उसको। अबे भाई वो देख, अबे गया, मुझे भागना पड़ेगा। मैं गया भाई। भाई क्या कर रहा है तू, जल्दी निकल वहां से, अंदर चल अंदर चल। अबे क्या डैमेज दे रहा है ये, पागल हो गया इस चीज। अबे यार ये तो भाई पूरा नॉर्मल हो गया वापस। भाई फ्लेक वो यहाँ पर आ रहा है भाई, पूरा हील कर कर वो भी। इसको मार यार, तू तोड़ ये सब तोड़ इनको। अबे यार ये तो मार नहीं रहे उसको, पूरे गोलम को मार। रुक जा इसको मैं मिनी गन से मारता हूँ। अब इसको बहुत डैमेज पड़ रहा है, भाग भाग भाई अंदर भाग घर के। फ्लिक फ्लिक जल्दी मार यार, वो ट्रैप पे फंस चुका है अपने। अबे फंस गया, इसको बहुत तेजी से मार रहे गोलम, लेकिन गोलम तो मर रहे हैं पूरे। वही तो गोलम पूरे मर चुके लगभग। अबे ये निकल ही नहीं पा रहा है ऐसे। अबे गोलम फंस चुके हैं भाई, ब्लास्ट करना ही पड़ेगा मुझे। अरे भाई गोलम मर गया, ये नहीं मरा भाई, गोलम मर गया ये नहीं मरा है। सेंट्री के पास ला यार इसको, और क्या और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मार इसको यार, नहीं मर रहा यार ये, वापस से रीजनरेट हो जाएगा। एक काम कर हमको अंदर जाना पड़ेगा, इस बार कोई एस्केप प्लान भी नहीं है हमारे पास, इसको मारने पड़ेगा। क्या हो गया बाहर, क्या बाहर क्या हो चुका है भाई, इतने सारे बंदे आ गए बाहर। अबे ये कौन से स्टीव आ गए? अबे यार भाई इनसे बचना पड़ेगा, सेंट्रीज मार रही है इनको। अबे ब्लास्ट कर ब्लास्ट कर, जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ। अब भाई इस वीरट को मारना पड़ेगा, ये स्पॉन कर रहा है। अबे मैं मर तो नहीं गया, लैग हो रहा है भाई हर चीज। अरे फ्लिक और बंदे आ गए भाई, क्या कर रहा है तू? अबे यार मुझे बचना पड़ेगा, इन लोग को मार यार, फिर हम लोग वीरट से लड़ेंगे। वो अच्छा है फंसा हुआ है भाई, नहीं तो हमारा गेम खत्म हो जाता। भाई सेंट्रीज ने हमारी बहुत मदद करी है। भाई ये एरिया तो पूरा बर्बाद हो गया है भाई, ये भालू कहां से आ गया स्टीव वाला? अबे ये क्या है, मार मार सबको फोड़। निपटा दिया, क्या था भाई वो? अबे यार चल इसको लेके बाहर चल, जल्दी बाहर आ, बाहर में हमारे माइंस बाकी है, वो इनको मार देंगे। और क्या, मारो यार सबको भाई, ये मरने वाला है। क्या कर रहा है डैश, मार। एक काम करता भाई, देख एक ही ऑप्शन बचा है भाई, इसको लेके फूटना पड़ेगा। ओ भाई ये क्या था, फूट फूट भाई, तू मत मर जाना लेकिन। अबे भाई ये क्या हो गया, अबे अबे मर गया, मर गया भाई। भाई कहाँ भाग रहा था, उड़ रहा था शायद वो।